नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आप सबका एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। तो फटाफट से जो भी हैं लाइव आ जाइए और वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं हमारे साथ में लाइव जुड़ सके। जल्दी से जल्दी जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो हमारे साथ में जुड़ सके। चलिए, तो कंटिन्यू बने रहेंगे हम 3 घंटे तक यहां पर, ठीक है? कंटिन्यू रहेंगे 3 घंटे तक, और हम यहां पर टॉपिक टू टॉपिक जो है सारे क्वेश्चन को यहां पर कवर करेंगे। एक एक टॉपिक को यहां कवर करते हुए चलेंगे। चलिए, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो सभी के सामने स्क्रीन पे आया हुआ है। आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है, वीडियो वैसे क्लियर है एक बार बता दीजिएगा। आवाज में चलिए आप बताइए, आवाज क्लियर है क्या? ठीक है, सही नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना? जैसे आवाज वगैरह कोई प्रॉब्लम हो अभी भी तो बता दीजिएगा। चलिए, वीडियो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पहला हमारे पास में। पहला जो हम यहां टॉपिक लेंगे वो ले रहे हैं क्या, साइटोलॉजी। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है किससे, साइटोलॉजी से। ठीक है, साइटोलॉजी जो है वो हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पर जो साइटोलॉजी शब्द है उसमें 2 लैटिन भाषा के शब्द है हमारे पास में। एक है क्या, साइटो, एक है साइटो और दूसरा है लॉजी, जो कि लिया गया है लोगस से। साइटो का मतलब हम सब जानते हैं कोशिका होता है। ठीक है, तो साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ पर हम जो जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो किससे संबंधित होंगे, साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन। पहला जो हमारा चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम कोशिका के बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर करते रहें। देखिए, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हम जो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये पूरा किस पे होगा, कोशिका के ऊपर होने वाला है। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पता चल गया कोशिका का अध्ययन यहां किया जाता है। या फिर हमसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यहां पर कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं, यहां पर जो क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है कोशिका कैसी इकाई है। तो सिंपल हम लोगों को मालूम है कि जो कोशिका होती है हमारी वो सबसे छोटी, हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म, हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों प्रकार की इकाई होती है। ठीक है, तो ये क्रियात्मक भी होती है और संरचनात्मक भी होती है। ठीक है, देखिए सेशन जो है हमारा वो 3 घंटे का अब रहेगा और 4 घंटे का सुबह रहेगा। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा कमेंट्स पे जो है ध्यान में कम दूंगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यू बने रहेंगे हम। देखिए, तो यहाँ पर क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई मतलब दोनों प्रकार की होती है हमारी क्या, कोशिका। ठीक है, तो कोशिका की जो इकाई है, कोशिका जो इकाई है वो कैसी है, दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने कि जो कोशिका है इसकी खोज, कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी, कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी, ये हमें बताना है। ठीक है, कि कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन पहला दे रखा है यहां पर रॉबर्ट हुक ने, दूसरा दे रखा है रॉबर्ट ब्राउन ने, तीसरा दे रखा है ल्यूवेन हुक ने, चौथा दे रखा है यहां पर, ठीक है, डोल्टन ने। तो कोशिका की खोज जो है वो किसने की थी, फटाफट से बताना है।
देखिए, तो यदि हम बात करें कोशिका की खोज की, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो कोशिका की खोज जो थी वो सन 1665 ईस्वी में की गई थी, और ये खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। पहला इसका राइट आंसर है, ठीक है, पहला इसका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, कब की थी? 1665 ईस्वी में, ठीक है। किस चीज में की थी? तो ये की थी कॉर्क के टुकड़े में, ठीक है। किसमें की थी ये? तो ये की थी कॉर्क के टुकड़े में की थी, ठीक है। किसके अंदर की? तो कॉर्क जो है एक प्रकार की लकड़ी, एक प्रकार का पेड़ है, उसकी छाल होती है कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क की जो छाल थी उसके अंदर किसने खोज की? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। अब एक चीज का ध्यान रखना है यहां पर, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वह कोशिका कैसी थी? तो वह कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका, ठीक है। वेरी गुड, सभी का सही है। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, कॉर्क के टुकड़े में की थी, मृत कोशिका थी, ठीक है। अब देखिए, ये जो मृत कोशिका थी ना, ये एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने जो चीज खोजी, हम यदि बात करें मृत कोई भी कोशिका है और पादप की है, तो वहां पर मृत कोशिका में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज शेष बचता है? तो कोशिका भित्ति शेष बचती है। क्या चीज बचती है यहां पर? कोशिका भित्ति, ठीक है। तो यहां पर यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने खोजा, तो वो भी किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो एक्चुअल में कोशिका ना होकर क्या थी? कोशिका भित्ति। बट उसको इसने, रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? कोशिका या सेल नाम दिया था, ठीक है। मृत कोशिका थी। वेरी गुड, देखिए सभी का लगभग सही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, आवाज ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिए, यहां पर क्वेश्चन जो है ये है कोशिका के सिद्धांत से। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो किससे है? कोशिका के सिद्धांत से। तो जो कोशिका का हमारा सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है ल्यूवेन हॉक, तीसरा है स्लाइडन और स्वान, चौथा दे रखा है यहां पर बीटल व टेडम ने। तो यहां पर कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था ये हमें बताना है, ठीक है, कि कोशिका का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, कोशिका का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो कोशिका का जो सिद्धांत था, वेरी गुड, सभी का लगभग सही आंसर है, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? स्लाइडन और श्वान ने दिया था, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्लाइडन, और दूसरा जो साइंटिस्ट था उसका नाम था श्वान। तो ये दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन और श्वान। स्लाइडन का ध्यान रखना, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। यदि जनरली हमसे पूछ लिया जाए कि स्लाइडन जो था वो, उसने कोशिका का सिद्धांत दिया था, वो किस चीज का वैज्ञानिक था, तो ये किसका था? वनस्पति वैज्ञानिक था। और श्वान जो था वो किसका था? तो ये जंतु वैज्ञानिक था, ठीक है। तो स्लाइडन किसका वैज्ञानिक था? वनस्पति का। और श्वान किसका था? जंतु वैज्ञानिक था। यह सिद्धांत जो था वो 1838-39 में दिया गया। कोशिका का सिद्धांत कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1838-39 के अंदर, ठीक है। अब बात करें हम आगे, देखिए ये क्लियर हो गया कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा? स्लाइडन और श्वान, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत क्या था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले रहे हैं उसको। देखिए यहां पर दिया गया है कि कोशिका के सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया। नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो यहां पर दिया गया है कि कोशिका के सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया। दिया किसने था? स्लाइडन और स्वान ने, ठीक है। अब आगे किसने बढ़ाया? पहला ऑप्शन दिया है रॉबर्ट हुक ने, दूसरा है विर्चो ने, तीसरा है स्लाइडन ने, चौथा दे रखा है यहां पुरकिंजे ने। तो कोशिका का जो सिद्धांत था उसको आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था ये हमें बताना है, कि कोशिका के सिद्धांत को आगे किस वैज्ञानिक ने बढ़ाया था, ठीक है। वेरी गुड, लगभग सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिका का जो सिद्धांत था इसको आगे बढ़ाया था 1855 में, सन 1855 में, ठीक है। और कोशिका के सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? वो था विर्चो, ठीक है। कौन थे? विर्चो। देखो कोशिका का सिद्धांत क्या था, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि कोशिका का सिद्धांत एक्चुअल में था क्या, ठीक है। तो कोशिका के सिद्धांत की यदि हम बात करें
तो कोशिका का सिद्धांत यदि हम यहां पर कहें तो यहां पर कोशिका का जो सिद्धांत था वो था कि जितने भी हमारे पास सजीव हैं पृथ्वी पर, जितने भी क्या हैं सजीव, सजीव के शरीर का निर्माण जो है, सजीव के शरीर का निर्माण जो है, ठीक है, ये किससे होता है? तो ये कोशिका से मिलकर होता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास में पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी हैं, ठीक है, ये सारे के सारे, इन सभी का शरीर जो है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। ये होता है कोशिका का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? वीर्चो ने। कब बढ़ाया? 1855 में। ठीक है, और वीर्चो ने एक बात और कह दी कि जितनी भी नई कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी क्या होती है नई कोशिका, इन नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक है, के विभाजन से होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो विर्चो ने एक बात कह दी कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनेंगी वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होगा। तो सिंपल एक बात और ध्यान रखना है यहां पर अच्छी तरीके से, कि जो विभाजन की सबसे पहले बात थी, ठीक है, विभाजन को बताने वाला वैज्ञानिक था वो कौन था? वो भी विर्चो था। ठीक है, तो विभाजन को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? विर्चो। सबसे पहले विभाजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? विर्चो ने दिया। कब दिया? 1855 में दिया। और इस बात को किसमें जोड़ दिया गया? कोशिका के सिद्धांत के अंदर जोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का जो सिद्धांत है उसका अपवाद क्या है। ठीक है, कोशिका के सिद्धांत का अपवाद हम लोगों को बताना है कि कोशिका के सिद्धांत का अपवाद क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है वायरस, दूसरा दे रखा है कवक, तीसरा दे रखा है शैवाल, चौथा दे रखा है प्लाज्मा। ठीक है, कोशिका के सिद्धांत का हमें बताना है अपवाद, कोशिका के सिद्धांत का अपवाद। ठीक है, देखिए वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करते रहे, क्योंकि हम लोग जो है कंप्लीट बायो को यहाँ कवर करेंगे और टॉपिक टू टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा, इन क्वेश्चनों के अलावा आपको और ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरपी, डीपी, रेलवे, एनटीपीसी, ठीक है, पटवारी के लिए इनसे ज्यादा जो है क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में ही जो है वो कवर हो जाएगा। वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। हाँ, सभी का राइट आंसर आ रहा है वायरस। ठीक है, तो कोशिका का सिद्धांत का अपवाद वायरस क्यों है? ठीक है, एक छोटी सी बात यदि हमसे पूछ ली जाए कि वायरस इसका अपवाद क्यों है, ठीक है, तो वायरस जो होता है वो सजीव के अंदर यदि हम रख दें तो वो सजीव की तरह रहता है। ठीक है, और यदि हम इसको निर्जीव के अंदर रख दें, ठीक है, यदि हम इसको निर्जीव के अंदर रख दें तो ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। सजीव में सजीव की तरह और निर्जीव में निर्जीव की तरह ये व्यवहार करता है। ठीक है, इसीलिए इसको इन दोनों के बीच की क्या कहा जाता है? इसको योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसको योजक कड़ी। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा जाता है? इसको योजक कड़ी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो वायरस को कहा जाता है। अब देखिए, पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर यहां से क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि कौन सा जो जीव है वो केवल और केवल जनन की क्रिया सजीव के अंदर करता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जीव है जो जनन की क्रिया केवल और केवल सजीव के अंदर करता है? ठीक है, तो वह कौन सा है? वह है वायरस। तो उसका आंसर क्या था? वायरस था। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए यहां पर हमें पता है कि ये सजीव के अंदर सजीव की तरह रहेगा और निर्जीव में रख दिया तो ये निर्जीव की तरह ही व्यवहार करेगा, सजीव की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो वह कौन है? वह है वायरस। अब देखिए एक और बात कर लेते हैं यहां पर। यहां पर जब हम बात करते हैं ऊतक संवर्धन की, ठीक है, ऊतक संवर्धन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऊतक संवर्धन के अंदर हम किसी भी कोशिका ऊतक या अंग को, ठीक है, किसी भी कोशिका ऊतक या अंग को, ठीक है, ऊतक संवर्धन के तहत, ठीक है, ऊतक संवर्धन के तहत किसी भी
किसी भी कोशिका या फिर हमारे पास में क्या है, ऊतक है, ठीक है, किसी भी कोशिका ऊतक या फिर अंग को, ठीक है, अंग को क्या करते हैं हम, अंग को संवर्धित करते हैं और उसके लिए हम एक माध्यम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं संवर्धन माध्यम, ठीक है, क्या कहेंगे, संवर्धन माध्यम, ठीक है। और ये जो संवर्धन माध्यम होगा, ठीक है, जो हमारे पास में क्या होगा, संवर्धन माध्यम माध्यम, ठीक है, ये संवर्धन माध्यम जो है वो हम किसी भी जार या ग्लास के अंदर ले लेते हैं जिसमें सारे पोषक तत्व तो उपलब्ध होते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर हम कह सकते हैं इसको अर्ध ठोस अवस्था में ये पाया जाता है। पहली बात तो इसके अंदर हम कोई भी सजीव कोशिका को यहां पर क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं या उनकी जो है विभाजन की क्रिया यहां कराते हैं। ध्यान रहे वायरस जो है, वायरस इस संवर्धन माध्यम में, ठीक है, अपनी संख्या नहीं बढ़ाता। क्यों नहीं बढ़ाता, क्योंकि जो संवर्धन माध्यम होता है वो कैसी अवस्था होती है, निर्जीव अवस्था, और निर्जीव अवस्था में ये है अपने जनन की क्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज से ध्यान रखना कि यदि क्वेश्चन को इस बार घुमा करके पूछ लिया जाए, पिछली बार पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जीव है, कौन ऐसा है जो सजीव के अंदर ही जनन करता है, ठीक है, सजीव के अंदर ही जनन करता है, ठीक है, तो वह कौन था, वायरस। इस बार पूछ लिया जाए कि बताइए कौन ऐसा है जो संवर्धन माध्यम के अंदर जनन नहीं कर सकता है, तो वह भी कौन है, वायरस है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देख लीजिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है पहले तो, ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा उस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि सभी सजीवों के शरीर का जो निर्माण है वो कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, यह कथन जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है, यह जो कथन है वो क्या कहलाता है, गुणसूत्र का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका संगठन या फिर अनुवाद, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है। यदि हम बात करें कि सभी सजीवों के शरीर का जो निर्माण हुआ है वो सभी सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, यह कथन जो है वो क्या कहलाएगा, तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था यह कथन क्या कहलाता है, कोशिका का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर हो गया, सभी का राइट आंसर है बी कि ये कोशिका का क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, एक बार टॉपिक क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो है क्वेश्चनों के आंसर हम फटाफट से दे पाएंगे। यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने है कि कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया। ऑप्शन पहला है स्ट्रॉसबर्गर, दूसरा है विर्चो, तीसरा है यहां पर रॉबर्ट हुक, और चौथा दे रखा है मोरे, ठीक है, मोरे। तो हम लोगों को बताना है कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले जो है वो किसने बताया था। देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका फायदा लें। मैंने फिर बताया है राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, पटवारी वगैरह में आप लोगों को इन क्वेश्चनों से ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लेना टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा, सारे नोट्स जो हैं वो आप लोगों को ऑनलाइन जो है मिल जाएंगे, हमारा जो इंस्टाग्राम का जो चैनल है, ठीक है, उसके अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी उसके अलावा हर सोशल मीडिया पे हम लिंक को शेयर कर देंगे, आप वहां से जाकर के कंप्लीट नोट्स को भी पढ़ पाएंगे, ठीक है, किसी प्रकार के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, विर्चो, वेरी गुड, सभी का जो है आंसर सही था, ठीक है, विर्चो होगा इसका आंसर। हम लोगों ने अभी पढ़ लिया था कि कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले विर्चो ने बताया था, और वो बताया था 1855 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहां पर आ चुका है कोशिका के प्रकार, नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे आ गया है कोशिका का जो प्रकार है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका जो है वो कितने प्रकार की, पहला ऑप्शन है एक प्रकार की, दूसरा जो ऑप्शन है वो दे रखा है दो प्रकार की, तीसरा है तीन प्रकार की, चौथा है चार प्रकार की। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, ठीक है, कोशिका जो होती है वो सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, वेरी गुड। देखिए लगभग सभी के राइट आंसर हैं, ठीक है, दो प्रकार की होती है कोशिकाएं। बात कर ले यहां पर कोशिका के प्रकार,
ठीक है, तो जो कोशिका होती है ठीक है, इसके जो प्रकार है, कोशिका के प्रकार ये दो प्रकार की होती है ठीक है, और कौन कौन सी होती है, तो पहली होती है हमारे पास में प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है हमारे पास में यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर बायो में सिर्फ और सिर्फ जो है वो शब्दों का महत्व है, यदि शब्द समझ में आ गए ठीक है। मीना, चलिए कोई बात नहीं, एक दो के गलत थे। देखिए तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, ये कोशिका जो है, ये नाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है शब्द हमारे पास में प्रो और दूसरा है हमारे पास में कैरियोट, प्रो प्लस कैरियोट। प्रो का मतलब हमारे पास सिंपल होता है अनुपस्थित, अनुपस्थित ठीक है, अनुपस्थित, और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, केंद्रक। तो सिंपल हमें पता चल गया कि वह कोशिका जिसमें केंद्रक जो है वो क्या हो, अनुपस्थित हो, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाए, वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ठीक है। कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका ठीक है। मनीष का आ रहा है 70-40, ये राइबोसोम नहीं है, कोशिका के प्रकार है ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का समझ में आ गया हमें कि इनमें जो है केंद्रक जो है वो क्या होगा, अनुपस्थित। इसको हिंदी में जो है प्रोकैरियोट को कहा जाता है असीम, असीम, असीम केंद्रकीय कोशिका ठीक है, इसको कहा जाता है असीम केंद्रकीय कोशिका, केंद्रकीय कोशिका। इसका भी मीनिंग समझ लेना कि इसका मीनिंग क्या होता है, यदि हमारे पास में ये एक कोशिका है कोई और ये इसके अंदर केंद्रक है, सिंपल मेथड है, कोई भी स्ट्रक्चर तब बनती है, कोई भी स्ट्रक्चर तब बनती है जब उसकी बाउंड्री हो। ये जो केंद्रक हमने लोगों ने लिया है, ये हमने स्ट्रक्चर बताई है केंद्रक ठीक है, तो ये जो केंद्रक है ये तब बनेगा जब केंद्रक की झिल्ली होगी हमारे पास ठीक है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक की बाउंड्री हो गई। और ये एक कोशिका है, ये क्या है, कोशिका, तो कोशिका कब बनेगी, जब हमारे पास कोशिका झिल्ली होगी ठीक है, ये बात क्लियर कर लेना ठीक है। तो कोई चीज तब बनेगी जब उसकी बाउंड्री होगी ठीक है, यदि हमें रूम बनाना है तो भाई चार दीवारी होनी चाहिए ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वे होती है जो असीम केंद्रकीय होती है, असीम मतलब सीमा या बाउंड्री ठीक है। प्रोकैरियोट में हमने यहां पर देखा कि यदि मैं इस ठीक है कोशिका के केंद्रक की इस झिल्ली को यहां से हटा दूं ठीक है, तो यहां केंद्रक हमें दिखाई दे रहा है क्या, तो यहां केंद्रक नहीं है ठीक है, यहां पर केंद्रक बिल्कुल भी नहीं है। और जब यहां पर हमारे पास कौन नहीं है, केंद्रक नहीं है ठीक है, जब हमारे पास क्या नहीं है, केंद्रक नहीं है, इसका मतलब केंद्रक क्या हो गया, अनुपस्थित। तो इस कोशिका को अब फिलहाल हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक, या हम यहां पर कहेंगे इसको असीम केंद्रकीय कोशिका ठीक है। तो असीम केंद्रकीय कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ही है, इसका मतलब यह है कि वह कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। दूसरा समझ लीजिए, दूसरा हमारे पास में दे रखा है कि यूकैरियोटिक कोशिका, कौन सी कोशिका है, यूकैरियोटिक। तो यू जो शब्द है इसका मतलब होता है उपस्थित ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उपस्थित। तो यू का मतलब हो गया उपस्थित, कैरियोट का मतलब हम लोग जानते हैं, कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक ठीक है। तो वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक क्या हो, उपस्थित हो, क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ठीक है। चलिए तो अक्षर थोड़े मोटे करें, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। देखिए अब ये हो गया हमारे पास प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, अब इसको हमने दूसरा नाम हिंदी नाम किया दिया है,
तो इसका यदि हम हिंदी नाम देखें यूकैरियोटिक का, तो यूकैरियोटिक को हम लोग बोलेंगे, यूकैरियोटिक को हम लोग बोलते हैं ठीक है, ससीम केंद्रकीय, ससीम केंद्रकीय कोशिका ठीक है, ससीम केंद्रकीय कोशिका ठीक है, ससीम केंद्रकीय कोशिका। इसका मतलब यह हो गया कि इसमें जो है कोशिका के अंदर केंद्रक की जो सीमा है, बाउंड्री है, मतलब केंद्रक जो झिल्ली है वो यहां पर उपस्थित होती है ठीक है। तो वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक या केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है कहलाती है यूकैरियोटिक, और जिनमें केंद्रक झिल्ली या केंद्रक अनुपस्थित होता है क्या कहलाती है प्रोकैरियोटिक। तो केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जो है कोशिकाएं जो होती हैं ठीक है वो कैसी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर दिया गया है कि जो हमारे पास में ऑस्ट्रिच एग है, सॉरी सबसे बड़ी जो कोशिका है उसका उदाहरण क्या है। ऑप्शन पहला है ऑस्ट्रिच एग, दूसरा है हमिंग बर्ड ठीक है, तीसरा दे रखा है ब्लू व्हेल, चौथा दे रखा है माइकोप्लाज्मा ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण हम लोगों को बताना है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है पृथ्वी पर पाई गई सबसे बड़ी कोशिका वो होती है कौन सी, ऑस्ट्रिच एग। और ऑस्ट्रिच एग को हिंदी में कहा जाता है ठीक है शुतुरमुर्ग का अंडा ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, शुतुरमुर्ग का अंडा ठीक है, इसको कहा जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा ठीक है। ये खूब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जो एग है ठीक है किसका, शुतुरमुर्ग का, वो सबसे बड़ी क्या होती है, कोशिका होती है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहां पर कि पृथ्वी पर पाई गई सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। पहला दे रखा है यहां पर कवक द्रव्य, दूसरा है शैवाल द्रव्य, तीसरा है जीवाणु द्रव्य और चौथा है वायरस द्रव्य ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में के जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा हमने हिंदी लिखा है ठीक है। देखिए तो इसका जो आंसर होगा पृथ्वी पर पाई गई सबसे छोटी कोशिका, सब लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली क्या है, सबसे छोटी कोशिका ठीक है। अब यहां पर यदि हम बात करें माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का आकार कितना होता है, तो 0.01 माइक्रोमीटर का होता है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है ठीक है, ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब यहां पर ये जो है माइकोप्लाज्मा, सिंपल हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा, यदि ये ध्यान नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी क्या है हमारे पास, कोशिका। अब इस शब्द को हम लोगों ने क्या किया है, चेंज किया है। तो ध्यान रखना साइंस की भाषा में जो माइको शब्द है, माइको इस शब्द का अर्थ होता है कवक, इस शब्द का अर्थ क्या है, कवक। और जो हमारे पास में दूसरा शब्द है प्लाज्मा ठीक है, इसका अर्थ होता है द्रव्य ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कवक द्रव्य ठीक है, माइकोप्लाज्मा सही है ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा को ही हम क्या कहते हैं, कवक द्रव्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, पहला वाला ठीक है। बस इतना से बात थी ठीक है, क्योंकि यदि हम यहां पर माइकोप्लाज्मा देते तो सभी का राइट आंसर आता ठीक है, बाकी कंफ्यूज करने के लिए वो इसी प्रकार से लैंग्वेज को क्या करेगा, चेंज करेगा। सिंपली ध्यान रखना कि इस बार राजस्थान पुलिस के अंदर जो फॉर्म लगे हैं वो 17.5 लाख है ठीक है। राजस्थान पुलिस में फॉर्म लगे कितने हैं, वो हमारे पास फॉर्म लगे हैं 17.5 लाख ठीक है। और वैकेंसी हम सब लोग जानते हैं कि वैकेंसी कितनी सी है ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर यदि हेर फेर करता है तो बहुत सारा जो है डिफरेंस हमारे सामने आ जाएगा ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए
माइको, माइको का मतलब क्या था? कवक। अब हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है लोजी का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो लोजी का मतलब क्या होता है, ठीक है? लोजी का मतलब होता है अध्ययन करना। यहां से क्वेश्चन आ जाएगा माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम यहां पर लिखेंगे कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है? तो वो किया जाता है किसका? कवकों का अध्ययन। प्लाज्मा या प्लाज्म शब्द भी मिल सकता है, ठीक है? यदि आप लोगों को यहां पर सिर्फ प्लाज्म मिले तो इसका मतलब भी क्या होता है? द्रव्य। अब देखिए ये शब्द भी इस्तेमाल होता है कई बार। हम लोगों ने अभी बात की कि कैरियो का मतलब क्या होता है, ठीक है? कैरियो या कैरियोट, ठीक है? तो इसका मतलब होता है केंद्रक। और यदि वो यहां पर शब्द जोड़ दे कि कैरियोप्लाज्म, ठीक है, यदि ये शब्द बना के हमको दे दे कि कैरियोप्लाज्म जो है वो कहां पाया जाता है, तो ध्यान रखना कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, ठीक है? कैरियो का मतलब क्या था? केंद्रक। प्लाज्म का मतलब क्या था? द्रव्य। तो केंद्रक के अंदर पाया गया द्रव्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है केंद्रक द्रव्य के नाम से या कैरियोप्लाज्म के नाम से, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है हमसे क्वेश्चन बनाकर भेज सकता है, ठीक है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर हम लोगों को शब्दों में उलझाने की कोशिश करेगा, तो इस टाइप के हमें शब्द जो है वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन है कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर पाया जाता है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर जीवाणु में क्या चीज है जो पाई जाती है? ऑप्शन पहला दे रखा है मध्यकाय, दूसरा दे रखा है बाह्य काय, तीसरा दे रखा है आंतरिक काय, चौथा दे रखा है यहां पर गोल्जी काय, ठीक है? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या चीज पाई जाती है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या चीज पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या चीज पाई जाती है, ये हम लोगों को बताना है। देखिए जीवाणु जो है वो ध्यान रहे एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कैसी कोशिका है? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, जीवाणु। और जीवाणु के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, ठीक है? दोहरी झिल्ली युक्त क्या नहीं पाए जाते? कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर कौन मिलेगा, ठीक है? पहला ऑप्शन हमारे पास में है मध्यकाय, दूसरा है बाह्य काय, तीसरा है आंतरिक काय, चौथा है गोल्जी काय। देखिए सिंपल मैं यहां पर बता दूं आप लोगों को, फिर से यहां पर शब्दों का हेर फेर किया गया है, ठीक है? पहला जो ऑप्शन है यहां पर दिया गया है मध्य। मध्य का मतलब होता है मिजो, ठीक है? मध्य का मतलब क्या होता है? मिजो, ठीक है? दूसरा यहां पर दे रखा है बाह्य, ठीक है? तो बाह्य का मतलब क्या होता है? बाह्य का मतलब यहां पर होता है एक्सो, ठीक है? बाह्य का मतलब क्या होता है? एक्सो। आंतरिक का मतलब यहां पर यदि हम बात करें साइंस की भाषा में आंतरिक, आंतरिक का मतलब होता है एक्टो, एक्टो, सॉरी एक्टो का मतलब भाई यहां पर होगा एंडो, एंडो, ठीक है? आंतरिक का मतलब क्या होगा? एंडो। तो ये कुछ शब्द हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है? यदि कभी बाह्य शब्द यूज करता है तो उसके जगह पर वो एक्सो काम में ले सकता है, ठीक है? आंतरिक की जगह एंडो काम में ले सकता है, मध्य की जगह क्या ले सकता है? मिजो। सभी के पीछे एक वर्ड लगा हुआ है काय, 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 ठीक है? गोल्जी काय हम सब लोग जानते हैं, एक कोशिकांग है, ठीक है? देखो तो काय का यहां पर जो मतलब है वो होता है सोम। काय क्या होता है? सोम, ठीक है? ये ध्यान रखना है। अब मैं बता दूं कि जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर जो एनर्जी बनाने का काम करता है वो यहां पर काम करता है मिजोसोम। कौन करता है? मिजोसोम। अब मिजोसोम को एग्जामिनर ने क्या किया? चेंज कर दिया, ठीक है? मिजोसोम को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। आवाज क्लियर नहीं आ रही है भाई, आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है?
चलिए अब बताइए, अब किसी प्रकार की आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार, अभी भी आवाज में प्रॉब्लम बता रहे हैं टेक्निकल टीम। कभी कभी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम बता रहे हैं कभी कभी। चलिए कोई बात नहीं, देखिए तो यहां पर जो आंसर हुआ इसका, यहां पर क्लियर दिया हुआ है मीजोसोम। ठीक है, मीजोसोम किसके स्थान पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर। अब इस मीजोसोम को हमने किस प्रकार से लिखा है? मध्य काय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो था, जो भी बच्चों ने दिया, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान दे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य काय। मैक्सिमम बच्चों ने जो इसका आंसर दिया था वो क्या दिया था? गोल्जी काय दिया था। ठीक है, आवाज अभी भी, चलिए काफी वो सही आ रही है, काफी बता रहे हैं कि थोड़ी फट रही है आवाज, आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है। सही है, सही है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कह रहे हैं आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। देखिए हर एक क्वेश्चन के साथ में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है और वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहां क्लियर करते हुए चलेंगे। यदि उससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम कवर कर पाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपस में कमेंट्स मत करो। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी। अभी बताइए आवाज कैसी है। चलिए कोई बात नहीं, है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ गया है हमारा। ठीक है, जीवाणु, यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जीवाणु में पाए जाने वाले वृत्ताकार अतिरिक्त जो डीएनए है वो किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जीवाणु है उसके अंदर जो अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, सभी के कमेंट्स आ गए हैं। पहला यहां पे दिया है प्लाज्मा, दूसरा दे रखा है प्लाज्मिड, तीसरा दे रखा है यहां पर फेजमिड, नेक्स्ट दे रखा है कृत्रिम डीएनए। सभी का आंसर आ गया है फेजमिड, बी सी बी सी। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहां पर बात करें हम तो जो जीवाणु है उसकी यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर मिलेगी जीवाणु की, और जीवाणु के अंदर जो है वृत्ताकार इस प्रकार के, ठीक है, गोल गोल जो है वो डीएनए यहां पर मिलने वाले हैं, और इन सभी डीएनए को अंदर एक जो है एक और वृत्ताकार डीएनए यहां पर मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर जो है ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाई किसकी है? जीवाणु की। और जीवाणु के अंदर ये जो डीएनए है जो व्हाइट वाले बनाए हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने लिए हैं अतिरिक्त डीएनए। और जो मेन काम जो यहां पर करेगा डीएनए, जो मेन यहां पर काम करता है जीवाणु के अंदर, ठीक है, वो है यहां पर, ये है इसका क्या, मेन डीएनए। ठीक है, मेन डीएनए, तो एक हो गया इसमें मेन डीएनए और उसके अलावा हो गए सारे के सारे कैसे, अतिरिक्त डीएनए। ठीक है, देखिए आवाज के लिए टेक्निकल टीम हमारी काम कर रही है। ठीक है, तो आपस में जो है कमेंट्स ज्यादा ना करें। ठीक है, मेन जो काम है हमारा वो क्लास के ऊपर है, और हम लोगों ने बता दिया हमारा जो टारगेट है वो 17 लाख बच्चों को क्रॉस करना है। ठीक है, यहां पर आवाज के ऊपर ज्यादा जो है बातें ना करें। ठीक है, टेक्निकल टीम काम कर रही है, वो अपनी तरफ से काम कर रही है पूरी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। देखिये तो जीवाणु के अंदर बहुत सारे डीएनए होते हैं, सारे के सारे डीएनए वृत्ताकार होते हैं, तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना। हमने अभी बात की थी जीवाणु जो है वो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कैसी है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जो भी डीएनए होते हैं वो सारे के सारे वृत्ताकार होते हैं। ठीक है,
वो सारे के सारे क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो वृत्ताकार डीएनए है उसमें एक तो होता है मेन डीएनए, बाकी सारे होते हैं अतिरिक्त डीएनए, और ये अतिरिक्त डीएनए क्या कहलाते हैं, प्लाज्मिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्लाज्मिड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा इसका, प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड है, हम लोगों ने इतनी देर जो बात की, प्लाज्मिड क्यों है भाई, ये क्या काम आता है ऐसा, जो कि हम लोग इसकी इतनी चर्चा कर रहे हैं। तो जो प्लाज्मिड है हमारे पास में, इसका काम क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटेक के अंदर हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है जीन, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जीन अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है उसके अंदर ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करता है कि ये वाहक का काम करेगा। किसका काम करेगा, वाहक का काम करता है। ठीक है, और वाहक वो होता है जो किसी चीज को एक स्थान से कहां लेके जाता है, दूसरे स्थान पर। तो ये जो वृत्ताकार डीएनए है, ये जो हमारे पास में वृत्ताकार डीएनए था, ये एक वांछित डीएनए को, ठीक है, हमारे टारगेट डीएनए के साथ में जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर भी वैसा है, और कोशिका में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जितने भी डीएनए होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, और वृत्ताकार डीएनए में एक डीएनए मेन होता है, बाकी जो डीएनए बच गए वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं क्या, प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली शाखा में हम इनका उपयोग वाहक के रूप में करते हैं। ठीक है, किसके रूप में करते हैं, वाहक के रूप में करते हैं, और ये जो होते हैं ये वांछित डीएनए को टारगेट डीएनए के साथ में जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए बात करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यहां पर दिया गया है, देखिए, कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की। पहला दे रखा है प्रोकिंजे, दूसरा दे रखा है स्लाइडन, तीसरा दे रखा है डुर्जाडिन, और चौथा दे रखा है यहां पर हैकल। ठीक है, तो यहां पर हमें बताना है कि प्रोटोप्लाज्म, तो यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है, हमने अभी अभी बात की थी कि शब्दों का ध्यान रखना, प्रोटो का मतलब होता है जीव और प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य। तो जीव द्रव्य की खोज जो है वो किसने की थी, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो जीव द्रव्य की खोज जो है वो किसने की थी, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो जीव द्रव्य की खोजकर्ता कौन थे, तो वो थे डुजार्डिन। किसने की थी, डुजार्डिन। अब यहां पर एक बात और कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो जीव द्रव्य है या प्रोटोप्लाज्म है ये होता क्या है। ठीक है, तो हम यहां पर बात करें कि हमारे पास एक कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, कोशिका के भीतर जो भी पदार्थ भरा हुआ होता है, ठीक है, जो भी पदार्थ अंदर भरा होता है उसको हम कहते हैं क्या, जीव द्रव्य। अब यदि ये हमारे पास में थी क्या, कोशिका झिल्ली, क्या थी ये, कोशिका झिल्ली, ये थे हमारे पास कोशिका झिल्ली, और ये थे हमारे पास क्या, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब यहां पर जो पदार्थ भरा होगा, ठीक है, केंद्रक झिल्ली कोशिका झिल्ली के बीच, उसको हम कहेंगे क्या, कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर जो भरा होगा, केंद्रक झिल्ली जिसको घेरे होगी वो कहलाएगा क्या, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, और इन दोनों को ही हम मिला दें तो ये कहलाता है क्या, जीव द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य जो है वो सभी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। यहां पर चाहे केंद्रक झिल्ली मिले या ना मिले, हमें क्या चीज मिलने वाला है, जीव द्रव्य तो हमें मिलता ही है। ठीक है, तो ये तो हमें पाया ही जाता है। अब यदि हम बात करें तो कोशिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं, तो कोशिका को हम लोग बोलते हैं क्या, साइटो। ठीक है, और द्रव्य को क्या बोलते हैं, प्लाज्म, तो हम इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको क्या, कैरियो। ठीक है, केंद्रक को क्या बोलते हैं हम, तो केंद्रक को बोलेंगे क्या, कैरियो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कैरियोप्लाज्म। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक हो गया हमारे पास साइटोप्लाज्म, एक हो गया कैरियोप्लाज्म, दोनों को मिला दें तो कहलाएगा क्या, प्रोटोप्लाज्म। खोजकर्ता कौन था, खोजकर्ता था इसका कौन,
डुजार्डिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो यहां पर दिया गया है कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था। पहला ऑप्शन हमारे सामने है पुरकिंजे, दूसरा है हेक्सले, तीसरा है हेकल, चौथा है डुजार्डिन। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार जो है वो किसने कहा था। ठीक है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था। ठीक है, तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार जो है वो किसने कहा था, तो ये कहा था किसने, हेक्सले ने। ठीक है, तो ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये था हेक्सले। बी राइट आंसर है सभी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो यहां पर है कि साइटोप्लाज्म एवं कैरियोप्लाज्म जो शब्द है, साइटोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन पहला है स्ट्रॉसबर्गर, दूसरा है पुरकिंजे, तीसरा है हेक्सले और चौथा है डुजार्डिन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है साइटोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य और दूसरा शब्द है हमारे पास में कैरियोप्लाज्म, ठीक है, मतलब केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो शब्द था, ठीक है, वो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो क्या था, स्ट्रॉसबर्गर ने। इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। वेरी गुड, ठीक है, लगभग सभी का राइट आंसर है स्ट्रॉसबर्गर ने किया था, सभी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो यहां पर दिया गया है कि प्रोटोप्लाज्म की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। देखिए कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ भरा हुआ था, चाहे वो केंद्रक में हो या केंद्रक के बाहर हो, ठीक है, यहां पर जो पदार्थ भरा हुआ होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन पहला यहां पर दे रखा है विलीनीय, दूसरा है यहां पर कोलाइडी, तीसरा है निलंबनीय, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटोप्लाज्म की जो प्रकृति होती है वो होती है कैसी, कोलाइडी। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कोलाइडी सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसकी जो, हाँ सही बात है, स्ट्रॉसबर्गर ने ही गुणसूत्र की खोज की थी। देखिए तो जो कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है, इस प्रकार की जो प्रकृति है वो होती है किसकी, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो यहां पर दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग नहीं है। पहला दे रखा है केंद्रिका, दूसरा दे रखा है यहां पर लाइसोसोम, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है ऑक्सीसोम। चलिए यहां पर ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं एक और कर देता हूं यहां पर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन पहला ए वे बे, नेक्स्ट जो है उसमें है ए वे से, थर्ड जो है उसमें दे रखा है सभी, और फोर्थ जो है उसमें दे रखा है ए वे दे। तो निम्न में से कौन कोशिकांग नहीं है, निम्न में से कौन कोशिकांग नहीं है, ठीक है, इन वाले ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए कोशिकांग का क्या कॉन्सेप्ट है, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये क्या चीज होती है। तो यहां पर बात करें तो हम बात करेंगे कि जीव द्रव्य के अंदर जो क्रियात्मक इकाई होती है उनको हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। और ये होती है जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, ये सारे के सारे होती है। अब यहां पर बात करें हम तो हमारे पास में देखिए यहां पर एक दे रखा है केंद्रिका, केंद्रिका जो है वो कोशिकांग के भीतर पाई जाती है। कोशिकांग कौन सा है, केंद्रक, केंद्रक कोशिकांग है। कोशिकांग के अंदर एक और हमारे पास स्ट्रक्चर मिली तो वो है क्या, केंद्रिका। दूसरा हमारे पास में है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और इन्हीं को हम ऑक्सीसोम को कहते हैं F1 कण, ठीक है, तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं।
तो कोशिकांग के भीतर पाए जाने वाली जो संरचनाएं होती हैं वो कोशिकांग में काउंट नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, पहला और लास्ट, ठीक है, ये दोनों ही जो है ये कोशिकांग के अंदर काउंट नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों के अंदर, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो किसने की थी। ऑप्शन पहला है कोलिकर ने, दूसरा है अल्टमान ने, तीसरा है सीबेंडा ने, चौथा है सभी ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो किसने की थी ये हमें बताना है फटाफट से। चलिए देखिए, तो यहां पर जो है क्वेश्चन था माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की, कोलिकर ने, अल्टमैन ने, सीबेंडा ने, सभी ने। सभी लोगों के आ रहे हैं, सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पहले कहा था। और देखिए ये जो मैराथन क्लासेस जो आई है, ठीक है, आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जहां पर भी है वहां पर शेयर कीजिए, ठीक है। एक तो सेकंड का टाइम लगता है, उसमें फटाक से शेयर करके वापस आ जाइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए, और आप लोगों को अभी भी श्याम को भी बता देना है कि कल सुबह जो है ये क्लास 8 बजे से 12 बजे तक आएगी सुबह, ठीक है, संडे को। आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहा, ठीक है, तो मैं हो सकता है आगे भी क्लास को जारी रखूं कल संडे शाम को भी, ठीक है। जितना ज्यादा हो सकेगा मैं उतना ही अच्छा ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को टाइम देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, सब चीज को कवर करने वाले हैं, कोई बात नहीं। देखिए सभी लोगों को कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ आंसर अलग अलग आ रहे हैं, वीडियो को शेयर करते रहे और लाइक जरूर करते रहे, ठीक है। देखिए यहां पर एक बार क्लियर कर लेना अच्छी तरीके से, यहां पर जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर करा देता हूं। देखिए बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है हमारे पास में माइटोन, माइटोन, और दूसरा है कॉन्ड्रियोन, ठीक है। माइटोन का मतलब होता है सूत्र या धागा, ठीक है, और कॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है कण, ठीक है। तो यहां पर एक नाम निकल कर के आता है सूत्र कणिका, सूत्र कणिका, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही नाम दिया जाता है क्या, सूत्र कणिका। अब ये कॉन्सेप्ट देखना क्या होता है, देखिए 100 बच्चे आ गए हैं लाइव, इसको और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, ठीक है, लाइव क्लास में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो नाम था ना, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका, ये जो नाम था, नामकरण करने वाला कौन था, ये था कौन, सीबेंडा, ठीक है। नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन था, नामकरण करने वाला व्यक्ति था सीबेंडा। लेकिन हमारी बात क्या है कि खोज किसने की, तो यदि हम खोज की बात करें, देखिए तो खोज की यदि हम बात करें तो खोजकर्ता कौन था हमारा, तो खोजकर्ता जो था वो था कोलिकर। सबसे पहले कौन आया, कोलिकर, ठीक है, 1880 की बात है, ठीक है, सन 1880 में कौन आता है, कोलिकर। और कोलिकर ने क्या किया कि जो कीट होते ना, कीट की पेशी के अंदर, कीट की पेशी, पेशीय कोशिका, कीट की कौन सी कोशिका थी, तो ये थी पेशीय कोशिका, ठीक है, पेशी कोशिका या पेशीय कोशिका के अंदर इसने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर दी। किसने कर दी, कोलिकर ने। और कोलिकर ने यहां पर एक नाम दिया सार्कोसोम, ठीक है,
सार्कोसोम यहां पर नाम दे दिया। सार्को जो वर्ड है इसका मतलब ध्यान रखना पेशी होता है। सार्को का मतलब क्या होता है? पेशी। और सोम का मतलब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, काय होता है। ठीक है, तो पेशी के अंदर इसने एक स्ट्रक्चर देखी, एक संरचना देखी। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर या संरचना जो देखी ठीक है पेशी के अंदर, उसका नाम क्या रख दिया? सार्कोसोम। अब यदि हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हमारी पेशियों के अंदर पाए गए माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, हमारे शरीर के अंदर जो पेशियां हैं उसके अंदर पाया गया माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से जाना जाता है, तो सार्कोसोम के नाम से जाना जाता है। और ये नाम किसने दिया था? कोलिकर ने दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है कौन? अल्टमान। ठीक है, अल्टमान ने किसमें खोजा? तो पादप में। अल्टमान ने किसमें खोजा? पादप में। और पादप में इसका नाम रखा क्या? बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट, ठीक है, तो बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? वो नाम दिया था अल्टमान ने। ठीक है, इसको अल्टमान या अल्टमैन कहते हैं। और जब ये दो अलग अलग नाम हो गए, ठीक है, एक नाम हो गया बायोप्लास्ट और एक नाम हो गया हमारे पास में क्या? सार्कोसोम। तो इन दोनों को एक ही बात बताने वाला व्यक्ति कौन था? सी बेंडा। और इसने इसका नाम रखा, और नाम रखा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो ठीक है कोंड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहा गया? सूत्र कणिका। क्या कहा गया? सूत्र कणिका। तो सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण जो था वो किसने किया? सीबेंडा ने। सबसे पहले खोज किसने की? कोलिकर ने। किसमें की? कीट की पेशी कोशिका में। नाम क्या रखा? तो यह नाम रखा था सार्कोसोम। ठीक है, चलिए बात करें आगे। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करें आगे, तो देखिए यहां पर नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन, देखिए बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, फिर से कंफ्यूजन करने के लिए आया है। गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, लवक में, या फिर सभी में। गुणसूत्र जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, यह हमें बताना है। देखिए कुछ बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है, संजय सिर्रा कौन है ये? ठीक है, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। नाइन्थ क्लास के अंदर, ठीक है, जो हमारी नाइन्थ क्लास है, आरबीएससी उठा लेना। ठीक है, सीबीएसई में देने ही रखा है। ठीक है, आरबीएससी की जो बुक है, ठीक है, आरबीएससी की जो बुक है, ठीक है, उसके अंदर चैप्टर में जो कोशिका का जो चैप्टर है, ठीक है, पांचवें नंबर का जो चैप्टर है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। देखिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो कोलिकर ने की थी। ठीक है, कोलिकर ने की थी, स्पष्ट लिखा हुआ है, ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, और इसके अलावा बीएससी वगैरह की बुक पढ़ोगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है। अब यदि तुम पढ़ोगे लूसेंट को, ठीक है, यदि आप लोग पढ़ किसको रहे हो? लूसेंट को, तो वहां गलत लिखा हुआ है, स्पष्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है, और बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें गलत लिखा हुआ है, तो उसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, देखिए यहां पर दे रखा है कि भाई जो गुणसूत्र हैं वो कहां पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, और लवक में भी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी में। ठीक है, गुणसूत्र इन सभी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बात करूं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, यहां पर जो आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा, गुणसूत्र की बात यहां पर पूछी है, तो गुणसूत्र सिर्फ काम लेगा केंद्रक में। ठीक है, गुणसूत्र की जगह यदि हमसे पूछ लेता, ठीक है, डीएनए, डीएनए कहां पाया जाता है? तो डीएनए फिर इन तीनों में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए तीनों में पाया जाता है, गुणसूत्र की पूछी है तो राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ केंद्रक में। ठीक है, गुणसूत्र कहां मिलेगा? तो सिर्फ केंद्रक में। डीएनए की यदि बात पूछता तो वो तीनों की बात करता, केंद्रक में भी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और लवक में भी, तीनों में पाया जाता है। यदि मैं बात करूं इन दोनों की, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक की, ठीक है, इनके अंदर जब डीएनए पाया जाता है तो इनको कहा जाता है अर्ध अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, ठीक है,
अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग किसको कहा जाता है? तो ये दोनों को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी और लवक को भी। और ये क्यों कहा जाता है? डीएनए की उपस्थिति के कारण ही कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों में डीएनए पाया जाता है इसलिए इनको कहा जाता है, ठीक है। डीएनए तीनों में होता है, गुणसूत्र की बात कर रहा है तो सिर्फ किस में होता है? केंद्रक के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कोशिका का श्वसनकारी कोशिकांग किसे कहा जाता है? पहला दे रखा है हरित लवक को, दूसरा है केंद्रक को, तीसरा दे रखा है ठीक है सूत्रकणिका को, चौथा दे रखा है लाइसोसोम को। कोशिका का श्वसनकारी कोशिकांग किसे कहा जाता है? कोशिका का श्वसनकारी कोशिकांग किसे कहा जाता है? कोशिका का श्वसनकारी कोशिकांग किसे कहा जाता है, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया जो है वो किसमें होती है? तो श्वसन की क्रिया होती है किसमें? सूत्रकणिका। और सूत्रकणिका को ही कहते हैं हम क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहां पर यदि माइटोकॉन्ड्रिया दे दे, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करके आएंगे, और यदि सूत्रकणिका दे दे तो हम सूत्रकणिका करके आएंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि सी जो है इसका क्या होगा राइट आंसर, कोशिका का श्वसनकारी कोशिकांग होता है कौन? सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि श्वसन ऑक्सी श्वसन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? पहला दे रखा है केंद्रक में, दूसरा दे रखा है लवक में, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और चौथा दे रखा है हमारे पास लाइसोसोम, ठीक है। तो यहां पर हमें बताना है कि जो हमारी ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है वो कहां पर संपन्न होती है, ठीक है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? वेरी गुड, सभी के आ गए हैं। कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। तो ऑक्सी श्वसन की क्रिया कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यदि पूछ ले अनॉक्सी श्वसन कहां पर होता है, ठीक है, तो अनॉक्सी श्वसन जो होता है ये होता है कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है। ये कहां पर होगा? कोशिका द्रव्य में, ठीक है। तो अनॉक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, और ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है वो होती है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? पहला दे रखा है लाइसोसोम, दूसरा दे रखा है गोल्जीकाय, तीसरा दे रखा है केंद्रक, चौथा दे रखा है लवक। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं ये हम लोगों को बताने हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? देखिए यहां पर सिंपल सा एक बात को समझ लीजिए कि जो हाइड्रोलाइटिक है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, ये कई बार हम लोगों को कंफ्यूज करता है। हाइड्रो का मतलब होता है जल, ठीक है, इसी को कहते हैं हम पानी, वाटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और लाइटिक का मतलब क्या होता है? लाइटिक का मतलब होता है डाइजेस्ट कर देना, पचा देना, ठीक है, या नष्ट कर देना, ठीक है। तो यहां पर लाइटिक का मतलब हो गया पाचन या पचा देना, ठीक है, नष्ट कर देना। तो ऐसे एंजाइम जो पानी तक को पचा दे या नष्ट कर दे वे एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? तो ये एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। और इन एंजाइमों की उपस्थिति के कारण लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन सबको ये नष्ट करता है। कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ लाइसोसोम नष्ट करता है, इसीलिए लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका का कचरा पात्र, ठीक है। कोशिका का कचरा पात्र किसको कहते हैं? तो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, लाइसोसोम को कोशिका का कचरा पात्र कह दिया, इसको एक और कहा जाता है
कोशिका का परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम, ठीक है, ये क्यों कहा जाता है? तो परमाणु बम या एटम बम क्यों कहा जाता है लाइसोसोम को? तो जब कभी मान लो लाइसोसोम फट गया तो इसके सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो थे, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर आ जाएंगे और कोशिका को नष्ट कर देंगे, इसलिए इसको कहा जाता है परमाणु बम, या इसी को कहा जाता है आत्मघाती थैली, ठीक है, आत्मघाती थैली, या इसी को कहते हैं आत्महत्या थैली, ठीक है, आत्मघाती थैली या आत्महत्या थैली भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, और इनकी उपस्थिति के कारण इनको कहा जाता है कोशिका का कचरा पात्र, ठीक है। जब कभी ये फट जाएगा लाइसोसोम तो इसको कहेंगे क्या? कोशिका का परमाणु बम या फिर आत्मघाती थैली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो यहां पर दिया गया है कि निषेचन, जो निषेचन की क्रिया है में सहायता करने वाला कोशिकांग कौन सा है? निषेचन की क्रिया में सहायता करने वाला कोशिकांग हमें बताना है कौन सा है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास में है लवक, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये कह रहा है निषेचन की जो क्रिया होती है उसमें सहायता करने वाला कोशिकांग जो है वो कौन सा होता है, ठीक है। निषेचन में, निषेचन की क्रिया जो होती है उसमें सहायता करने वाला कोशिकांग कौन सा होता है, ठीक है। तो निषेचन की जब क्रिया होती है तो अंडाणु से आकर के कौन मिलता है? शुक्राणु, और शुक्राणु का जो आगे का भाग होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम के आगे वाले भाग में यहां पर हमें पाए जाते हैं क्या? हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है हमारे पास में किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? ये लाइसोसोम की उपस्थिति के कारण होते हैं। लाइसोसोम आगे आगे था, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे? इस अंडाणु की भित्ति को गला देंगे, ठीक है। तो ये अंडाणु की भित्ति को क्या करते हैं? गला देते हैं, और शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, क्रिया कहलाती है निषेचन। तो निषेचन की क्रिया में मेन सहायक कौन है? तो यहां पर कौन है? लाइसोसोम। यदि पूछ लिया जाए कि एक्रोसोम भाग जो है शुक्राणु का वो बनाता कौन है, तो एक्रोसोम भाग कौन बनाता है? वो बनाता है गोल्जीकाय, ठीक है। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जीकाय करता है, ठीक है। और एक्रोसोम के भी आगे कौन मिलता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम निषेचन की क्रिया में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। देखिए ये जो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये लगभग लगभग 24 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लगभग कितने प्रकार के होते हैं? 24। तो 20 से लगभग ज्यादा होते हैं, तो ये लगभग 24 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो यहां पर दिया गया है कि जो गोल्जीकाय है उसका संबंध किससे है? संग्रहण से, परिवहन से, पैकेजिंग से, या सभी से, ठीक है। तो गोल्जीकाय का संबंध या कार्य जो है वो किससे है, ठीक है। गोल्जीकाय का संबंध या कार्य जो है वो किससे होता है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो गोल्जीकाय का संबंध या कार्य जो होता है वो इन सभी काम से है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी से। ये संग्रहण का कार्य भी करता है, परिवहन का भी करता है, पैकेजिंग का भी करता है। गोल्जीकाय जो है वो कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका है, इसके अंदर जो गोल्जीकाय होता है, ठीक है, ये किस स्थान से कहां जाता रहता है? दूसरे स्थान पर। तो ये परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। परिवहन के साथ साथ में ये खाद्य पदार्थों का जो परिवहन हो रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसकी क्रिया को कंट्रोल करता है। और परिवहन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? तो ये होता है ट्रैफिक पुलिस का। किसका होता है? ट्रैफिक पुलिस का होता है, ठीक है। इसलिए हम गोल्जीकाय को किस नाम से जानते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से, ठीक है। हाँ, परिवहन साहब, परिवहन, ठीक है, सही है। तो इसको क्या नाम से जानते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का ट्रैफिक हवलदार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए
तो क्लियर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि हम लोग जो है हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और जो क्लास है वो कंटिन्यू 3 घंटे की अब रहेगी और 4 घंटे की सुबह रहेगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करते रहे। देखिये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न में से आरएनए का भाग आरएनए में नहीं पाया जाता। पहला दे रखा है ग्वानिन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है एडिनिन, चौथा है थाइमिन। आरएनए में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो आरएनए में कौन जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दो चीज होती है, एक होती है डीएनए और एक होती है आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों का ध्यान रखें, ये दोनों ही क्या है, तो दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। क्या है ये? न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, ठीक है। यदि हम बात करें डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं, तो एडिनिन, ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 डीएनए में होते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात कर रहा है ये थाइमिन, और यहां पे कहा कि नहीं पाया जाता, तो सिंपल हमारे पास जो आंसर है वो यहां पर हो गया कि थाइमिन जो है वो किसमें नहीं पाया जाता, आरएनए में, क्योंकि वो किसमें पाया जाता है, डीएनए में। अब आरएनए में कौन कौन मिलेगा, तो ये थाइमिन को हटा दो, बाकी चीजें सेम है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और इसके स्थान पर मिलता है यहां पर यूरेसिल। यू का मतलब होता है क्या, यूरेसिल, ठीक है। और ये जो हम नाम ले रहे हैं, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सब क्या है, तो ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। क्या होते हैं ये, तो ये होते हैं नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कौन सा क्षारक जोड़ा डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में कौन सा जोड़ा पाया जाता है, हम लोगों ने अभी बात की, डीएनए में पाया जाता है एडिनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन। अब इनका जो जोड़ा है वो कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो एडिनिन जो है वो थाइमिन के साथ मिलेगा और ग्वानिन साइटोसिन दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए यूरेसिल मिलेगा ही नहीं, यूरेसिल मिलेगा नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, क्योंकि डीएनए की बात कर रहा है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास में वो यहां पर दे रखा है, देखिए कि निम्न में से डीएनए के पिरिमिड कौन से, पिरिमिडिन कौन से हैं, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या, तो एक होता है हमारे पास में पिरिमिडिन, ठीक है, पिरिमिडिन, और दूसरा होता है क्या, प्यूरिन। एक होता है पिरिमिडिन, दूसरा होता है क्या, प्यूरिन। जो पिरिमिडिन होते हैं वो होते हैं क्या हमारे पास में, वो होते हैं साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। और प्यूरिन जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास में एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं, एडेनिन और ग्वानिन क्या है हमारे पास में, प्यूरिन है, और पिरिमिडिन क्या है, साइटोसिन और थाइमिन है। तो यहां पर हमसे पूछा क्या गया है, पिरिमिडिन, तो पिरिमिडिन में हम लोगों को ध्यान रखना है साइटोसिन थाइमिन, यहां पर दे रखा है सी, ठीक है। थाइमिन और साइटोसिन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, क्वेश्चन के अंदर वक्तव्य दे रखा है, पहला, यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक से अधिक डीएनए पाया जाता है। दूसरा देखिए, यूकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट से ज्यादा जटिल होता है, ठीक है। दो वक्तव्य है, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किस हिसाब से है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है, दोनों सही है, परंतु पहला दूसरे का विवरण नहीं है। दूसरा दे रखा है,
कि दोनों सही हैं, परंतु पहला दूसरे का सही विवरण है। तीसरा दे रखा है कि गलत है, पहला गलत है परंतु दूसरा सही है। और नेक्स्ट दे रखा है कि सेकंड गलत है और फर्स्ट जो है वो सही है। ठीक है, हम लोगों को बताना है दोनों वक्तव्य जो दे रखे हैं उनके अंदर, ठीक है, कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये हम लोगों को बताना है। देखिए, यदि हम यहां पर बात करें इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर दिया गया है कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से में अधिक जो है वो डीएनए पाया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नहीं होता, और लवक भी नहीं होता, तीनों नहीं होते। और ये तीनों ही कहां मिलते हैं, ठीक है, तो यूकैरियोटिक में, ठीक है, कहां मिलते हैं, यूकैरियोटिक में ये तीनों मिलते हैं। और हमें मालूम है कि इन तीनों के अंदर कौन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए इन तीनों में एक्स्ट्रा मिलेगा किसके अंदर, यूकैरियोटिक में। तो सिंपल पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक से अधिक क्या मिलेगा, डीएनए। ठीक है, दूसरा देखिए, यूकैरियोट प्रोकैरियोट से ज्यादा क्या होते हैं, जटिल। तो सिंपल बात है कि प्रोकैरियोट जो था वो हमारे पास सिंपल सा होता है, इसमें केंद्रक भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्या है हमारे पास में, एक सिंपल नॉर्मल हमारे पास में कोशिका होती है प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट इससे ज्यादा जटिल कोशिका होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, जो पहला है वो सेकंड का सही विवरण है। ठीक है, तो इसका बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए तुक्का लगाएं कोई बात नहीं। ठीक है, स्क्रीन पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के संग, ठीक है, निरंतरित हो सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कह लें या कैरियोप्लाज्म कह लें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये कोशिका है, ये केंद्रक है, केंद्रक की झिल्ली है, ये कोशिका की झिल्ली है। यहां पर एक पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, यहां पर जो पदार्थ भरा हुआ है हमारे पास में, इस पदार्थ का नाम हम लोगों ने दिया था क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यहां पर जो पदार्थ भरा हुआ है उसका हमने नाम दिया क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म को ही हमने क्या कहा, कैरियोप्लाज्म। ठीक है, कैरियोप्लाज्म एक ही बात है दोनों। ठीक है, इन दोनों को आपस में, ठीक है, निरंतरित मतलब जोड़ने वाला, ठीक है, यहां पर इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले संरचना को क्या कहेंगे, तो यहां पर दे रखा है, ठीक है, सेंट्रियोल के द्वारा, ठीक है, दूसरा दे रखा है न्यूक्लियोपोर्स के द्वारा, तीसरा दे रखा है अंतःपरद्रव्य जालिका के द्वारा, चौथा दे रखा है गोल्जीकाय के द्वारा। तो ये किसके द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा जोड़े जाते हैं आपस में, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यहां पर केंद्रक झिल्ली में कुछ छेद होते हैं। केंद्रक झिल्ली में क्या होते हैं, छेद, और केंद्रक की झिल्ली है, केंद्रक को हमने क्या नाम दिया है, ठीक है, तो न्यूक्ली, ठीक है, न्यू केंद्रक को क्या नाम दिया हमने, ठीक है, न्यूक्लियो, और इसके अंदर छेद थे तो छेद को हमने क्या नाम दिया, पोर। ठीक है, तो न्यूक्लियोपोर बहुत सारे थे इसलिए हमने एस लगा दिया। न्यूक्लियोपोर्स जो होते हैं वो केंद्रक झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली के अंदर जो न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं, न्यूक्लियोपोर, ठीक है, इन छेद के द्वारा ये जो कोशिका द्रव्य था वो केंद्रक द्रव्य से मिल पाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था हमारे सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें।
वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जुड़ पाए। ठीक है, थोड़ा सा हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे हैं और हमें 7 घंटे के अंदर कवर करने हैं। यदि नहीं हो पाएंगे तो एक्स्ट्रा आगे हम क्लास लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे सामने आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से हमें बताना है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण जो होता है किसकी सहायता से होता है। ठीक है, डीएनए का यदि हम प्रतिकृतिकरण करें, डीएनए का रेप्लिकेशन यदि हम करें तो किसकी सहायता से होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज या फिर सभी से, ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम्स हैं जो डीएनए की हूबहू कॉपी बनाने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, तो डीएनए की एक से अधिक कॉपी बनानी है, एक से अधिक को कहते हैं क्या, पोली। ठीक है, और बनाने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास एंजाइम काम में आता है वो कहलाता है क्या, मरेज। ठीक है, तो एंजाइम का नाम हो गया पॉलीमरेज। पॉलीमरेज मतलब डीएनए की बहुत सारे हमें कॉपियां बनानी है, तो डीएनए की कॉपियां बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए हमको, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि आरएनए की कॉपियां बनानी है तो किसकी आवश्यकता होगी, आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी। ठीक है, लाइगेज जो होता है वो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो डीएनए को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी का ग्लू किसको कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का ग्लू या गोंद, ठीक है, किसको कहा जाता है, तो लाइगेज को। ठीक है, तो लाइगेज जो होता है यह डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए, यहां पर क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, हमारा क्वेश्चन है कि जीवाणु गुणसूत्र में न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, जीवाणु गुणसूत्र में न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, एक कतारबद्ध आरएनए, ठीक है, एक कतारबद्ध डीएनए, दूसरा दे रखा है यहां पर, नेक्स्ट दिया है कि डीएनए आरएनए दोनों, नेक्स्ट दे रखा है डीएनए का गोल अणु। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जीवाणु के अंदर जो गुणसूत्र होंगे और गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए होगा वो किस फॉर्मेट में पाया जाएगा, गोल अणु के फॉर्मेट में पाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट, यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है देखिए यहां पर कि एक इकाई जो शर्करा और क्षारक को, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बंध से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, प्यूरीन, ठीक है, ग्लाइकोसाइड या फिर न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइट। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, यदि शर्करा को क्षारक के साथ, क्षारक कौन से है, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, यदि हम शुगर को, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार के साथ जोड़ें और जोड़ने के लिए जो बंध काम में आएगा वो बंध कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक बंध है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बन करके आई उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम जानेंगे, शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार से बनी हुई स्ट्रक्चर, ये कहलाती है न्यूक्लियोसाइट। ठीक है, और यदि हम शुगर, नाइट्रोजनी क्षार प्लस फॉस्फेट समूह तीनों को जोड़ दें तो वो कहलाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बड़ी होती है और न्यूक्लियोसाइट स्ट्रक्चर जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो हमसे यहां पर पूछा गया था कि यदि हम शर्करा को क्षार के साथ में जोड़ें तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो वो बनेगी न्यूक्लियोसाइट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि वह एंजाइम जो डीएनए को दो खंडों में आपस में, ठीक है, आपस में जोड़ता है, ठीक है, जोड़ने वाला, हम लोगों ने अभी बात कर ली थी कि डीएनए को खंडों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, लाइगेज, पॉलीमरेज, सिंथेटेज, ठीक है, या हेक्सिलेज, हेलिकेज। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ेगा, तो डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ेगा मतलब क्या कहलाएगा, ग्लू या गोंद कहलाएगा, तो वो कौन सा था,
लाइगेज एंजाइम, कौन सा था? लाइगेज एंजाइम जो है वो इनको आपस में जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, लगभग सभी के राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, देखिए यहां पर जो है हम लोग ज्यादातर कमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि लगभग जो है आंसर सभी के सही हो जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। कुछ बच्चे जो हैं वो नॉर्मली यहाँ पर आते हैं चले जाते हैं, उनके ऊपर ध्यान ना दें। ठीक है, जिनको पढ़ना है सिलेक्शन लेना है वो क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखेंगे समझेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से कौन से किसका आंसर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है इस बार हमें एग्जाम में, ठीक है, 150 क्वेश्चन करने हैं और मात्र हमारे पास जो टाइम होगा वो 120 मिनट का होगा। ठीक है, 120 मिनट में हमें कितने क्वेश्चन करने होंगे, 150 क्वेश्चन, तो ये हमें देखना होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, देखिए बात करें हम यहां पर कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग में होने वाला आणविक कैंची, मतलब कि यहां पर डीएनए के टुकड़ों को काटने की बात कर रहा है। ठीक है, तो डीएनए के टुकड़ों को काटने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अच्छी तरीके से इसको नोट कर लेना कि इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको डीएनए की आणविक कैंची या जेनेटिक इंजीनियरिंग की आणविक कैंची कहा जाता है। इससे हम डीएनए के टुकड़ों को क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, और ये डीएनए के टुकड़े वगैरह जो होते हैं इनको काटने जोड़ने का काम हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं यहां पर बता दूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसके तहत हम क्या करते हैं, वांछित डीएनए के टुकड़े को काट करके, ठीक है, टारगेट डीएनए के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, टारगेट डीएनए के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, ट्रांसजीनी पादप, ट्रांसजीनी पादप। ठीक है, ट्रांसजीनी पादपों के अंदर आप लोगों ने ज्यादा नहीं तो सिंपल लिखा सुना होगा, बीटी कपास, बीटी कपास, बीटी बैंगन। ठीक है, इनका तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा जनरल तौर पे। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जो ये जो बीटी है, बीटी का मतलब होता है बेसिलस थ्रियोजेंसिस, और ये एक प्रकार का क्या होता है, जीवाणु। ठीक है, बेसिलस थ्रियोजेंसिस एक जीवाणु है, इसके कुछ जीन होते हैं जिन जीनों का नाम होता है क्राइजीन। ठीक है, कौन से जीन, क्राइजीन। इन क्राइजीनों को कपास के जीन के साथ में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिससे होता क्या है कि कपास के टीटे के अंदर जो कीड़े लगते हैं, कीट जो लगते हैं, वो कीट आते के साथ उनकी आंत की जो झिल्लियां हैं वो गल जाती है, किसके कारण, इस क्राइजीन के कारण, और वो जो कीट था वो नष्ट हो जाता है। जब कीट नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो हमारी जो कपास है उसकी पैदावार ज्यादा होती है। तो हमें यदि किसी पैदावार को ज्यादा बढ़ाना है तो हमने यहां पर क्या किया, एक ट्रांसजीनी पादप बनाया जिसका नाम था बीटी कपास। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे ट्रांसजीनी जंतु और ट्रांसजीनी क्या बनाए, पादप बनाए हैं। ठीक है, यहां पर हम उपयोग करते हैं कि डीएनए के टुकड़े को हमें क्या करना है, तोड़ना है या जोड़ना है। यदि काटना है तोड़ना है तो कौन सा काम मिलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, बीच में से तोड़ना है तो एंडो, और यदि किनारे से तोड़ना है तो एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले बात कर ली थी, यदि बीच में से तोड़ना है, मध्य से तोड़ना है तो एंडो, और यदि किनारे से तोड़ना है तो क्या होगा, एक्सो। ठीक है, ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्लियर हुआ यहां तक। अब बात करें आगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा यहां पर दिया गया है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज जो है वो किसने की थी। पहला ऑप्शन दे रखा है यहां पर कारेनबर्ग ने, दूसरा दे रखा है ओजाकी ने, तीसरा दे रखा है वाटसन ने, चौथा दे रखा है जैकब ने। तो इसमें सीधा ध्यान रखना, पॉलीमरेज एंजाइम की खोज जो थी वो किसने की थी, कोरनबर्ग ने। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जो खोज थी वो की थी किसने, ठीक है, तो ये की थी कोरनबर्ग ने की थी। नेक्स्ट बात करें हम, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि जनन कोशिका में होने वाला विभाजन, देखिए कोशिका विभाजन से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है। पहला दे रखा है समसूत्री, दूसरा दे रखा है अर्धसूत्री, तीसरा दे रखा है असूत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो जनन कोशिका में जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, जनन कोशिका में होने वाला विभाजन कौन सा होता है? जनन कोशिका में होने वाला विभाजन जो है वो कौन सा होता है? जनन कोशिका में होने वाला विभाजन कौन सा है? तो यहां पर ध्यान रखना कि जो जनन कोशिका में विभाजन होता है, ठीक है, वो होता है कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और ये जो जनन कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये कहां कहां मिलेगी? तो महिलाओं में मिलेगी कहां पर? अंडाशय में। ठीक है, महिलाओं में कहां मिलेगी? अंडाशय में। और पुरुष के अंदर कहां मिलेगी? तो ये मिलती है वृषण के अंदर। ठीक है, पुरुष में कहां मिलती है? वृषण में। मादाओं में कहां मिलती है? अंडाशय के अंदर। और इनमें होता है कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। और अंडाशय की जनन कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बनता है क्या? अंडाणु। क्या बनेगा? अंडाणु। और वृषण की जनन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा? शुक्राणु। क्या बनता है? शुक्राणु। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र जो है वो आधे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आधे। मान लो जनन कोशिका में गुणसूत्र जो थे वो कितने थे? 46। तो अंडाणु में इनकी संख्या घटकर कितनी हो जाएगी? 23। शुक्राणु में भी कितनी हो जाएगी? 23। ठीक है, तो यहां पर जो है गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है, देखो जर्नली जो है कमेंट्स के ऊपर ध्यान मत दो आपस में। ठीक है, मेनली जो है टॉपिक के ऊपर ध्यान दो। यहां से मान लो नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, या मान लो हमसे कंफ्यूज करने के लिए यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुक्राणु में कौन सा विभाजन होता है। ठीक है, शुक्राणु में कौन सा विभाजन होता है या अंडाणु में कौन सा विभाजन होता है? ठीक है, तो अंडाणु या शुक्राणु में कोई विभाजन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि विभाजन की क्रिया किसमें होती है? जनन कोशिका में होती है। और जनन कोशिका विभाजित, जनन कोशिका को हम लोग बोलते हैं पुटिका। क्या बोलते हैं? पुटिका बोलते हैं। और पुटिका जो है, या फोलिकल भी बोला जाता है, ये जब विभाजित होती है तो विभाजन के बाद जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी वो कहलाती है अंडाणु और शुक्राणु। ठीक है, अंडाणु और क्या कहलाती है? शुक्राणु कहलाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन किस अवस्था में जो है गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था ऐसी है जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला है प्रोफेज में, दूसरा है मेटाफेज में, तीसरा है एनाफेज, और चौथा है टीलोफेज। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र जो है वो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं? ठीक है, कौन सी अवस्था में गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं? ठीक है, देखिए यहां पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एक दूसरे के कमेंट्स पर कोई ध्यान मत दीजिए। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, क्लास में हर बार होता है, यदि हम ऑफलाइन लेते हैं तो भी दो चार बच्चे होते हैं, अपवाद होते हैं, कहीं ना कहीं बात करते हैं, यहां से उनको परमानेंटली टेक्निकल टीम के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जो है बाकी जो पढ़ रहे हैं वो इन पे ध्यान ना दें। ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम बराबर काम कर रही है, वो उनको ब्लॉक कर देगी। ठीक है, किसी भी प्रकार के आपस में कमेंट्स करते हैं तो देखिए, तो विभाजन की जब क्रिया होती है तो उसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो वो फेज कौन सी होती है? मेटाफेज। कौन सी फेज होती है? मेटाफेज के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल मध्य के अंदर आकर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और इस अवस्था में गुणसूत्र हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कौन सी अवस्था आएगी? तो वो आएगी मेटाफेज। नेक्स्ट बात करें, देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है? ऊतक। अभी तक हम लोगों ने सारी बातें थी वो कोशिका से की थी, अब ऊतक से करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। देखिए ऊतक जो शब्द है इसमें अच्छी तरीके से देख लेना, ऊतक को इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है इसको टिश्यू। ठीक है, क्या कहते हैं हम? टिश्यू। और यदि साइंस की भाषा में बात करूं तो इसको कहा जाता है हिस्टो। ठीक है, क्या कहा जाता है? हिस्टो।
तो टिश्यू और हिस्टो दो अलग अलग शब्द है, ये साइंटिफिक शब्द है, ये इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। ऊतक को कहा जाता है, क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हिस्टो का यदि अध्ययन करें तो हम इसमें क्या लगा देंगे, लोजी, तो सिंपल हमारे पास एक वर्ड आ जाएगा हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी का मतलब हो जाएगा क्या, ऊतकों का अध्ययन। यदि ऊतकों का हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहां पर एक देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ऊतक शब्द जो है उसका प्रयोग किसने किया, ऊतक, ऊतक को क्या कहा, टिश्यू, ठीक है। इस शब्द का उपयोग किसने किया, ये क्वेश्चन है कि टिश्यू शब्द का उपयोग किसने किया, ना कि इसका, ठीक है। तो हम ऊतक शब्द या टिश्यू शब्द की बात कर रहे हैं, उपयोग किसने किया, पहला ऑप्शन दे रखा है बाइकोट ने, दूसरा है मेयर ने, तीसरा है मार्सेलो मेलपेगी ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था, यह हम बताना है। वेरी गुड, लगभग सभी का सही है, ठीक है। तो ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग क्या था, बाइकोट ने। टिश्यू शब्द किसने दिया, तो टिश्यू शब्द देने वाला कौन था, तो ये था कौन, बाइकोट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जो हमारे पास में ऊतक विज्ञान या ओतकी जो है उसका जनक कौन है। ऊतक विज्ञान या ओतकी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, क्या कहते हैं इसको, हिस्टोलॉजी, ठीक है। ऊतक विज्ञान या ओतकी को किस नाम से जाना जाता है, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। हिस्टोलॉजी का जनक कौन है, तो हिस्टोलॉजी का जनक है कौन, मार्सेलो मेलपीघी। लगभग सभी का राइट आंसर था इसमें, ठीक है। मेयर नहीं है इसका, ठीक है, कौन है, मार्सेलो मेलपीघी, ठीक है। ओतकी का जो जनक है, ऊतक विज्ञान का जनक है कौन है, तो ये है कौन, मार्सेलो मेलपीघी, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, देखिए कंफ्यूजन जो है वो होती है बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी। हिस्टोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, पहला ऑप्शन बाइकोट, मेयर ने, मार्सेलो मेलपीघी ने, इनमें से कोई नहीं। तो हिस्टोलॉजी का जो शब्द था, ठीक है, शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया, वो क्या था, मेयर ने। लेकिन हिस्टोलॉजी के ऊपर जो काम करने वाला व्यक्ति था, ऊतकों के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाला जो व्यक्ति था, ठीक है, वो था कौन, वो था मार्सेलो मेलपीघी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके समझना, ऊतक के ऊपर अध्ययन करने वाला, ठीक है, डिटेल अध्ययन करने वाला, ठीक है, विस्तार से अध्ययन करने वाला, ठीक है, विस्तृत अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था, मार्सेलो मेलपीघी। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन था, मेयर। और जो ऊतक शब्द, सॉरी, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, मेयर ने। ऊतक या टिश्यू शब्द का प्रयोग, ठीक है, ऊतक को टिश्यू कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो बाइकोट था, ठीक है। तो ये तीनों हम लोगों ने ऑप्शन में डाले थे और तीनों एक साथ डाले थे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, ठीक है, शब्द का प्रयोग किसने किया, मेयर ने। जनक कौन है, मार्सेलो मेलपीघी। ऊतक या टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया, बाइकोट ने किया था, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ जाइए, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दे रखा है कि पैपिलरी पेशियां स्थित होती हैं। पैपिलरी पेशियां कहां पाई जाती है, आंख में, ठीक है, हृदय के आलिंद में, हृदय के नीले में, या फिर हाथ में, ठीक है। पैपिलरी जो पेशियां होती है वो कहां पर पाई जाती है, पैपिलरी पेशियां जो होती है वो कहां पर पाई जाती है,
देखिए क्वेश्चनों की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू क्लास रहेगी, आप लोग पढ़ते रहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आरपी डीपी पटवारी सबके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चनों को पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए पेपिलरी जो पेशियां होती हैं वो हृदय के कहां पाई जाती है, नीले के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जब हम हृदय की बात करेंगे तो वहां बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी पेशियां किस प्रकार से वहां पर पाई जाती है, ठीक है, तो ये कहां पर पाई जाती है, हृदय के नीले के अंदर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताना है, सभी को बताना है, ठीक है, कि हृदय पेशियां होती हैं, पहला दे रखा है ऐच्छिक व रेखित, दूसरा है अनैच्छिक व अरेखित, तीसरा दे रखा है अनैच्छिक व रेखित, और चौथा दे रखा है ऐच्छिक व रेखित। फटाफट से बताना है, सभी को बताना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी बताना है। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर जरूर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, क्योंकि ये जो क्लास है वो 3 घंटे की अब है, ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्स आता रहा क्लास में तो इसको आगे भी करेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट चलेगा हर टॉपिक के साथ में, ठीक है, वेरी गुड। देखिए हृदय जो होता है, हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो हमारा हृदय है, ठीक है, हृदय जो हुआ, ठीक है, हृदय जो है ये कैसे काम करता है, देखिए ये हमारा अनैच्छिक कार्य करता है, क्योंकि यहां पर कोई इच्छा का कंट्रोल नहीं होता, तो पहली बात ऐच्छिक का तो ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, कैंसिल। अब अनैच्छिक में कौन सा है, रेखित या अरेखित, ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि वे पेशियां, ठीक है, वे पेशियां जो अस्थियों से जुड़ी हो, ठीक है, किससे जुड़ी हो, अस्थियों से, ठीक है, अस्थियों से जुड़ी हुई पेशियां जो होती हैं वो होती हैं कौन सी, रेखित, और जो आंतरिक अंगों में होती हैं वो कौन सी होती है, अरेखित, ठीक है। तो हृदय क्या है, हृदय किसी प्रकार की, ठीक है, अस्थि से या हड्डी से जुड़ा नहीं है, आंतरिक अंग है, तो यहां पर कौन सी मिलेगी, अरेखित, ठीक है, कौन सी मिलेगी, अरेखित मिलेगी, ठीक है, सॉरी, हृदय की जो पेशियां होती हैं ये एक्सेप्शनल है, हृदय की पेशियां होती हैं रेखित, ठीक है, हृदय की पेशियां कैसी होती हैं, रेखित होती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि पेशियों की जब बात करते हैं तो दो प्रकार की होती है हमारे पास में, एक होती है कौन सी, रेखित, दूसरी कौन सी होती है, अरेखित, और इसी में तीसरी हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो हृदय पेशियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अनैच्छिक के साथ साथ में रेखित होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी, हृदय पेशियां जो होती हैं वो अनैच्छिक के साथ साथ में कैसी होती हैं, रेखित होती हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां से कई बार जो है क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि हृदय पेशियां कैसी होती हैं, ध्यान में रखना, यहां पर सिंपल सा ध्यान रखना कि अनैच्छिक में जो है, अनैच्छिक में पहला वर्ड आ रहा है ए, तो अरेखित में भी ए, तो अनैच्छिक कैसी होती है, अरेखित, और जो ऐच्छिक होती है वो कैसी होती है, रेखित, लेकिन हृदय पेशियां एक ऐसी पेशियां हैं जो अनैच्छिक होते हुए कैसी होती है, रेखित होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनैच्छिक व रेखित हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये हृदय पेशियों का ध्यान रखना है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कंडरा जो होती है वो जोड़ती है, ठीक है, कंडरा जो है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है, कैसा ऊतक है, तो ये संयोजी ऊतक है, ठीक है, और ये जो संयोजी ऊतक है ये जोड़ने का काम करता है, किसको जोड़ता है, तंत्रिका को पेशी से जोड़ता है, दो पेशियों को आपस में जोड़ता है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, या फिर अस्थि को पेशी से जोड़ता है, ठीक है, तो यहां पर जो एक होता है हमारे पास में कंडरा, ठीक है, ध्यान रखना है, एक क्या है हमारे पास में कंडरा, और दूसरी होती है हमारे पास में क्या, स्नायु, ठीक है, जो यहां पर जोड़ने का काम करती है, ठीक है, कंडरा और स्नायु, ठीक है, दोनों ही क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो जो स्नायु होती है वो अस्थि को, किसको, अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, ठीक है, अस्थि को अस्थि से, और जो कंडरा होती है वो अस्थि को
अस्थि को किससे जोड़ती है? पेशी से, ठीक है। कंडरा अस्थि को पेशी के साथ में जोड़ती है, ठीक है। और स्नायु जो होती है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है? स्नायु। पूछा गया था कंडरा किसको जोड़ती है, तो अस्थि को पेशी से जोड़ने का काम कौन करती है? कंडरा करती है, ठीक है। और कंडरा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला जाता है टेंडोन, ठीक है। क्या बोला जाता है? टेंडोन। और स्नायु को बोला जाता है लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट वो होता है स्नायु। सिंपली हम लोगों ने अच्छी तरीके से अस्थियां देखी होंगी, अस्थियों के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की मिलेगी, ठीक है। अस्थियां जो है वो इस प्रकार की होती है, और इन दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का जो कार्य करेगा, ठीक है, अस्थि को अस्थि से यहां पर जोड़ने का जो काम करता है, ठीक है, वो करता कौन है? स्नायु, ठीक है। अब ये जो अस्थि है वो पेशी के साथ में इधर जुड़ी होगी, ठीक है। अस्थि और पेशी आपस में यहां पर जो जुड़े होगी, जहां पर जोड़ने का काम होगा, ठीक है, यहां पर जोड़ने का जो काम होगा वो कौन करेगा? वो करेगा कंडरा, ठीक है। तो अस्थि को पेशी के साथ जोड़ने का काम जो है वो करता है कौन? कंडरा। और अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? स्नायु करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो कंडरा और स्नायु है ये क्या है, तो एक प्रकार के कैसे ऊतक है? संयोजी। एक वर्ड और सुना होगा तुम लोगों ने कि तरल संयोजी ऊतक। यदि तरल संयोजी की बात करता है तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त। तरल संयोजी ऊतक कौन होता है? तो वो होता है रक्त, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, यहां पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है फाइब्रिनोजन जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है फाइब्रिनोजन क्या है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन। क्या है? फाइब्रिनोजन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन दे रखा है, देखिए रुधिर में विद्यमान होता है, यकृत में बनता है फाइब्रिनोजन। दूसरा दे रखा है कि रुधिर में विद्यमान होता है तथा अस्थि मज्जा में बनता है। तीसरा है यकृत में विद्यमान होता है, श्वेत रक्ताणुओं से बनता है। नेक्स्ट दे रखा है मूत्र नलिकाओं में विद्यमान होता है। फाइब्रिनोजन क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। अब ये फाइब्रिनोजन जो है वो कहां पर विद्यमान होता है, कहां पर बनता है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन का जो निर्माण है वो यकृत में होता है। कहां पर होता है? यकृत में होता है, ठीक है। और ये पाया कहां जाता है? रुधिर के अंदर पाया जाता है। और ध्यान रहे फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम क्या है? तो ये क्या करता है? ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पहला ए, ठीक है, कि यह रुधिर में विद्यमान होता है और यकृत के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यहां पर दिया गया है कि यदि रुधिर कणिकाओं, यदि रुधिर कोशिकाएं अलग कर दें तो शेष बचा द्रव क्या कहलाएगा, ठीक है। हमारे पास में है रक्त, रक्त को ही रुधिर या ब्लड कहते हैं, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो दो भागों से मिलकर होता है, या इसके जो घटक होते हैं दो होते हैं। एक होता है हमारे पास में रक्त प्लाज्मा, ठीक है, एक क्या होता है? रक्त प्लाज्मा। और दूसरा होता है हमारे पास में रक्त कणिकाएं, ठीक है, रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब जो रक्त कणिकाएं हैं या रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है, इनको हम अलग कर दें रुधिर से, इन रक्त कणिकाओं को या रक्त कोशिकाओं को अलग कर दें, तो शेष जो बचा भाग है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्लाज्मा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? प्लाज्मा, ठीक है। तो जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। अब देखिए यहां पर एक चीज को और नोट करना है, यहां पर प्लाज्मा जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% जो होता है, ठीक है, वो होता है जल, और इसके अंदर 10% जो होता है वो होते हैं क्या? विशेष प्रकार के प्रोटीन्स, ठीक है, वो प्रोटीन्स है। रक्त कणिकाएं तीन होती हैं, ठीक है, एक होती है क्या? आरबीसी, दूसरी क्या होती है? डब्ल्यूबीसी, और तीसरी जो होती है वो होती है हमारे पास में क्या? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ये हमारे पास में होती है, ठीक है। अब यदि हम बात करें यहां पर
जो जल है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर पाया गया जो जल है उसी को हम क्या कहते हैं, सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। तो हम लोगों ने जो यहां पर शब्द दिया है सीरम, वो क्या है? तो रक्त के अंदर जो प्लाज्मा भाग में जो सीरम है वो मतलब क्या होता है? जल होता है। या हम कह सकते हैं कि रक्त का जलीय अंश, रक्त का कैसा अंश? जलीय अंश जो होता है, ठीक है, रक्त का जलीय अंश जो होता है वो सीरम कहलाता है। रक्त का जलीय जो अंश होता है वो सीरम कहलाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करें बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो यहां पर दिया गया है कि प्रोथ्रोम्बिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है तथा रुधिर में कहां से निकलता है या ये कहां से आता है, ठीक है, रुधिर में कहां से आकर के मिलता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है तो ध्यान रखना ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है और इसका निर्माण भी यकृत में होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसका निर्माण कहां होता है? यकृत के अंदर होता है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल बात कर रहा है ये कि ये कहां से आता है, तो ये यकृत से आता है क्योंकि इसका निर्माण कहां होता है? यकृत में ही होता है, ठीक है, क्लियर हुआ है यहां पर। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चलिए बड़ा है सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, यहां कह रहा है चेचक का टीका लगाने में शरीर में क्या प्रविष्ट कराया जाता है। जब चेचक का टीका लगाया जाता है तो शरीर के अंदर क्या चीज प्रविष्ट कराई जाती है, ठीक है, तो शरीर के अंदर क्या चीज प्रविष्ट कराई जाती है। देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि 9 बज गए हैं, ठीक है, लगभग हम लोगों को 2 घंटे का समय हो गया है, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि अब जो है लोग लगभग फ्री हो चुके हैं, ठीक है, और सभी लोगों का अब पढ़ाई का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा लोग बने रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हम लोग जो है आगे क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। देखिए चेचक का जब टीका है या कोई भी टीका है, किसी भी प्रकार का टीका, टीके को हम लोग बोलते हैं क्या? वैक्सीन। टीके को क्या बोलते हैं? वैक्सीन। जब वैक्सीन या टीका बनाया जाता है तो ध्यान रहे जिस रोग का टीका बनाया जाता है, जिस रोग के लिए टीका बनाया जाता है उसी रोग का क्या लेते हैं हम? रोगाणु, ठीक है, उसी रोग का क्या लेते हैं? रोगाणु, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं? निष्क्रिय। क्या करते हैं? निष्क्रिय करते हैं और उस निष्क्रिय रोगाणु को शरीर के अंदर प्रविष्ट करा दिया जाता है, ठीक है, क्या करा दिया जाता है? शरीर के अंदर प्रविष्ट करा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर सिंपल सी बात कर लेते हैं हम, ठीक है, देखिए एक बात कर लेते हैं यहां पर, टीका जो है वो कब लगाया जाता है, ठीक है, टीका जो है वो कब लगाया जाता है, ठीक है, टीके की बात करें तो टीका रोग होने से पहले, रोग होने से पहले लगाया जाता है, ठीक है, टीका कब लगाया जाता है? रोग होने से पहले। और यदि हमें, ठीक है, किसी प्रकार की दवा देनी है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को एंटीजन या एंटीबॉडी देनी है, एंटीबॉडी देनी है, ठीक है, तो ये कब दी जाती है? तो ये दी जाती है रोग होने के बाद, रोग होने के बाद, ठीक है, तो रोग होने के बाद एंटीजन या एंटीबॉडी व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है, एंटीजन दे या क्या दे हम? एंटीबॉडी दे, ये देते हैं रोग होने के बाद में। और यदि टीका लगाएं तो वो लगाते हैं कब? रोग होने के पहले लगाया जाता है, ठीक है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो पैदा होने के कुछ समय बाद उसको क्या लगाए जाते हैं? टीका लगाना क्या कर देते हैं? शुरू। मान लो हम बात करें डीपीटी का टीका, तो डीपीटी का जो टीका है, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटेनस, तीन रोगों में लगाया जाता है। डिप्थीरिया में, पर्टोसिस का मतलब काली खांसी, टिटेनस हम लोग जानते ही हैं, तीनों रोगों के लिए एक टीका लगाया जाता है डीपीटी का टीका। ये जो टीका है ये सबसे पहला टीका जो है वो 6 माह के बाद लगाया जाता है, बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह के बाद। कब लगाया जाता है? 6 सप्ताह के बाद लगाया जाता है। 6 सप्ताह का मतलब सिंपल हुआ कि 1.5 माह के बाद लगाया जाता है, ठीक है।
तो जब बच्चे का जन्म होता है तो 1.5 महीने के बाद उसको डीपीटी का पहला टीका लगता है, और डीपीटी के टोटल 3 टीके लगाए जाते हैं, पहला 6 सप्ताह के बाद, दूसरा 10 सप्ताह के बाद, तीसरा 14 सप्ताह के बाद। ठीक है, तो ये टीके लगाए जाते हैं, मतलब पहला 1.5 महीने के बाद, तो दूसरा 2.5 महीने के बाद, और तीसरा जो है वो 3.5 महीने के बाद, 3 टीके हम लगवाते हैं डीपीटी के। अब ये डीपीटी के टीके जो हमने लगवाए हैं ये रोग होने से पहले लगवाए हैं, ना कि रोग होने के बाद लगवाए हैं। ठीक है, तो टीके जो है वो पहले लगाए जाते हैं। और ये होते क्या है, तो हमें पता चल गया कि ये जो टीके हैं, ठीक है, ये संबंधित रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय जो रोगाणु हैं उनसे बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहां पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, तो जब ये दोनों अनुपस्थित होंगे तो कोशिका कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक। यदि ये दोनों चीजें क्या हो जाएं, अनुपस्थित, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही चीजें क्या हो जाएं, अनुपस्थित हो जाएं। ठीक है, दोनों ही चीजें क्या हो जाएं, अनुपस्थित हो जाएं, तो कोशिका कैसी हो जाएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, ठीक है, एक सिंपल सी लाइन हम लोग पढ़ते हैं कि सभी स्तनधारियों, सभी स्तनधारियों की आरबीसी प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है, होती है, लेकिन ऊंट व लामा, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी जो होती है, ठीक है, वो यूकैरियोटिक होती है, मतलब उसमें केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक होती है। ये लाइन हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, खूब इसको याद करते हैं। अब देखिए यहां पर जो हमसे बात कही गई है, ठीक है, उस बात को देखते हैं कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों नहीं है, मतलब कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक। अब यहां पर बात आ रही है किसकी, आरबीसी, ये क्या है आरबीसी, लाल रुधिराणु, श्वेताणु मतलब क्या है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, यहां पर लाल रुधिर कणिका या लाल रुधिराणु मतलब आरबीसी, ठीक है, और यहां पर वापस से क्या आ गया है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, हम लोगों ने बात जो की है वो स्पेशली किसके लिए की है, आरबीसी के लिए बात की है, किसके लिए बात की है आरबीसी, और मेन हम लोगों को ध्यान में रखना है स्तनधारी की बात की है, किसकी बात की है स्तनधारी की, इसके अलावा जो भी होते हैं, ठीक है, इसके अलावा स्तनधारी के अलावा हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो पानी में होते हैं, ठीक है, मत्स्य वर्ग, ठीक है, पानी में जो होते हैं मत्स्य वर्ग मछली वाले, ठीक है, उसके अलावा होते हैं एम्फीबिया, ये पानी में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी, रिपट कर चलने वाले, रेंग कर चलने वाले कहलाते हैं क्या, सरीसर्प, ठीक है, क्या कहलाते हैं सरीसर्प। इसके अलावा स्तनधारी और जो हवा में उड़ते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एवीज या पक्षी, ठीक है, क्या बोलते हैं एवीज बोलेंगे या क्या बोलेंगे पक्षी बोलेंगे, ठीक है, तो ये सब लोग हम लोग जानते हैं। अब यहां पर सिर्फ बात किसकी हुई है, स्तनधारी, इसका मतलब बाकी जो है उनके अंदर आरबीसी जो है वो कैसी होगी, यूकैरियोटिक, ठीक है। यहां पर बात हुई है खरगोश की आरबीसी, अब खरगोश देखो किसमें आता है, खरगोश आता है स्तनधारी में, खरगोश किसके अंदर काउंट किया जाता है, तो खरगोश को जोड़ा जाता है किसमें, स्तनधारी में। और यहां पर खरगोश क्या ऊंट और लामा में है, नहीं है, तो सिंपल यहां पर हो गया कि खरगोश की जो आरबीसी है वो कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक, और हमसे यही चीज यहां पर पूछी गई है। इसके अलावा देखो खरगोश की डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का तो कोई यहां पर बात ही नहीं है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेंढक, यहां पर भी मेंढक है, मेंढक जो है वो किसमें आता है, एम्फीबिया वर्ग में आता है, किसमें आता है एम्फीबिया वर्ग में आता है, इसलिए यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना है। बात यहां पर खरगोश की थी, खरगोश की आरबीसी जो है उसके अंदर क्या नहीं होता,
तो केंद्रक भी नहीं होता और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, अर्थात कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, अच्छा अक्षरों की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी देखिए एक बार क्लियर बता दीजिए, क्या टॉपिक क्लियर समझ आ रहा है? ठीक है, टॉपिक यदि क्लियर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो जुड़ सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में ठीक है कौन ऊतक है? यकृत, अग्नाशय, आहार नाल या रुधिर? ठीक है, निम्न में से कौन ऊतक है? ठीक है, निम्न में से कौन ऊतक है? क्वेश्चन सिंपल सा है, निम्न में से कौन ऊतक है ये हम लोगों को बताना है। तो यहां पर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि जो रुधिर होता है, रुधिर जो है वो एक प्रकार का कैसा है? तरल संयोजी ऊतक। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो रुधिर कैसा है? तरल संयोजी ऊतक। इनका ध्यान रखना ये सारे के सारे अंग हैं। क्या हैं ये? अंग है। ठीक है, क्या है ये? अंग है। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब यहीं पर एक बात और क्लियर करवा देता हूं। देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, यकृत हम लोगों ने देख लिया क्या है? अंग। ठीक है, यकृत क्या है? अंग है। ठीक है, सिंपल हुआ, सब लोगों के क्लियर समझ में आ गया? यकृत अंग है, अग्नाशय अंग है, आहार नाल अंग है, लेकिन रुधिर जो है वो क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करें यहां पर, यकृत जो है वो अंग है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात मैं करता हूं, यहां पर सवाल आएगा कि शरीर का सबसे सबसे बड़ा ठीक है अंग कौन सा है? ठीक है, अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है ये हम लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन होगा? तो सबसे बड़ा जो अंग होता है ठीक है वो कौन है? यकृत है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत है। अब यहां पर सब लोगों के दिमाग में एक बात आती है, त्वचा। ठीक है, त्वचा क्या है? इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, जैसे लोकेश प्रजापति ठीक है ये कह रहे हैं कि त्वचा है। देखिए त्वचा जो है इसको अच्छी तरीके समझ लेना, एक प्रकार का उपकला ऊतक है। क्या है ये? उपकला ऊतक है। ठीक है, यदि हम बात करें ऊतकों की तो ऊतकों में एक आता है कौन सा? उपकला ऊतक। एक आता है कौन सा? संयोजी ऊतक। ठीक है, एक कौन सा आता है हमारे पास में? पेशीय ऊतक। ठीक है, और एक कौन सा आता है हमारे पास में? तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो ऊतक हमारे पास में चार प्रकार के होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए आंतरिक बाह्य का कोई लिंक नहीं है यहां पर, इस चीज को अच्छे से समझ लेना कि त्वचा क्या है? उपकला ऊतक है। और प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है कि ऊतक का टॉपिक या तो कोई टीचर हमें पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा तो उपकला ऊतक को क्लियर नहीं करेगा। उपकला ऊतक की जब हम बात करते हैं तो उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कौन से? सरल उपकला ऊतक, और एक होता है कौन सा? जटिल उपकला ऊतक। तो जो त्वचा है वो किस में आता है? जटिल उपकला ऊतक के अंदर आता है। ठीक है, तो जो त्वचा है वो एक प्रकार का ऊतक है ना कि अंग है। ठीक है, और यकृत क्या है? अंग है। जब कभी ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमें क्या करके आना है? यकृत करके आना है यदि अंग पूछा है तो, और यदि ऊतक पूछा है तो हम क्या करके आएंगे? फिर हम त्वचा करके आएंगे। त्वचा जो है वो क्या है? उपकला ऊतक है। और कैसा उपकला ऊतक है? तो जटिल उपकला ऊतक है। ठीक है, इसका भी हम बता देते हैं। देखिए इसके लिए भी क्लियर बता देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर भी नाइन्थ क्लास आरबीएससी ठीक है
नाइन्थ क्लास का चैप्टर उठाना, ठीक है, यदि ऑथेंटिक है आपके पास में बुक, तो उसका पेज नंबर 49 देखना, उसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि त्वचा हमारे शरीर का कैसा ऊतक है, एक प्रकार का उपकला ऊतक है, और ये सबसे बड़ा ऊतक के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है और यहां से बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि रेनवियर की नोड जो है वो कहां पर स्थित होती है। पहला दे रखा है साइटोन में, दूसरा है नेफ्रॉन में, तीसरा है एक्सॉन में, चौथा है टिलोडेंड्रिया। ये जो बात हम कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं तंत्रिका कोशिका की, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, कौन सी कोशिका की बात कर रहे हैं हम, तंत्रिका कोशिका की हम यहां पर बात कर रहे हैं। और तंत्रिका कोशिका की यदि हम स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका के अंदर इस प्रकार की हमें स्ट्रक्चर नजर आएगी, ठीक है, तंत्रिका कोशिका की इस प्रकार की एक हमें स्ट्रक्चर नजर आएगी, ठीक है, और यहां से हमें बहुत सारी शाखाएं नजर यहां पर भी आएगी, और यहां से बहुत छोटे छोटे तंतुनुमस स्ट्रक्चर यहां पर निकले मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की एक हमें को क्या मिलती है, तंत्रिका कोशिका की संरचना। और जो तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है, ठीक है, इसमें ये जो सबसे लंबा भाग है, इसमें इस प्रकार से हमें, ठीक है, आवरण मिलेगा। तो ये जो संरचना है, ये है तंत्रिका कोशिका, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूरोन। क्या बोलेंगे, न्यूरोन बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो न्यूरोन है, देखिए नेफ्रॉन जो है वो वृक्काणु होता है, ये न्यूरॉन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये होता है क्या, न्यूरॉन, ठीक है। अब जो न्यूरॉन है, इसका ये वाला जो भाग है, ठीक है, केंद्रक के अलावा जो ये गोल भाग हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं, साइटोन। और ये जो लंबा भाग है, इसको बोलते हैं हम क्या, नेफ्रॉन। और इसमें ये जो तंतु जैसी संरचनाएं हैं, इसको कहते हैं हम क्या, डेंड्रोन। क्या कहते हैं इसको, डेंड्रोन कहते हैं, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम क्या, डेंड्रोन। और ये जो पीछे हमको स्ट्रक्चर मिलेगी लास्ट में, तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि लास्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, टीलो। लास्ट को क्या बोलते हैं, टीलो। और लास्ट में जो तंतु जैसी संरचना है वो कहलाती है क्या, टीलोडेंड्रिया, ठीक। इस नेफ्रॉन के, ठीक है, एक सेकेंड, नेफ्रॉन का ये जो भाग है, ठीक है, नेफ्रॉन नहीं, यहां पर ये जो भाग है, ठीक है, इस वाले भाग को हमने कहा है क्या, एक्सॉन। ये जो एक्सॉन भाग है, इसके अंदर यहां पर पाया जाता है माइलिन का आवरण, माइलिन का आवरण। और माइलिन के आवरण जहां जहां पाया गया, इसके बीच में जो गैप रह गया, ठीक है, ये जो गैप रहा, इसको हमने क्या नाम दिया, रेनवियर के नोड, ठीक है, क्या नाम दिया इसको, रेनवियर के नोड, ठीक है। तो रेनवियर के नोड कहां पाए जाते हैं, तो तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका को हम कहते हैं क्या, न्यूरॉन। और न्यूरॉन का कौन सा भाग, एक्सॉन भाग, ठीक है, कौन सा भाग, एक्सॉन भाग के अंदर ये मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, सी, राइट आंसर हो गया इसका एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन के अंदर ये मिलेगा, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम लोगों का राइट आंसर था, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, कंफ्यूज करने का जो है सिस्टम रहता है हमेशा। पेपर के अंदर मैं फिर बता देता हूं, राजस्थान पुलिस में 150 क्वेश्चन, मिनट 120, हम लोगों के पास में 35 से 40 सेकंड मिलेगी एक क्वेश्चन को करने के लिए, और एग्जामिनर हमें यहीं पर कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आए हम लोग कर लेंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, हृदय पेशी संकुचित होती है, ठीक है, शीघ्रता से तथा थक जाती है, ठीक है, शीघ्रता से संकुचित होती है लेकिन थक जाती है। दूसरा कह रहा है, शीघ्रता से थकती नहीं है, शीघ्रता से संकुचित होती है लेकिन थकती नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि धीरे धीरे संकुचित होती है, थकती नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है धीरे धीरे लेकिन थक जाती है। तो हृदय की जो पेशियां होती हैं वो किस प्रकार से संकुचित होती है ये हमें बताना है, ठीक है। हृदय की जो पेशियां होती हैं, हम लोगों को मालूम है कि एक मिनट में सेकंड कितनी होती है, 60,
और 60 सेकंड में हमारा जो हृदय है वो कितने बार, 72 बार धड़क जाता है। ठीक है, तो एक मिनट की यदि हम सॉरी 60 सेकंड के अंदर ठीक है कितने बार, 72 बार धड़क जाता है, तो जो हमारा हृदय है ठीक है वो एक सेकंड में, एक सेकंड में लगभग 1.2 बार धड़क जाता है। तो इसकी स्पीड तो क्या है, तेज मतलब शीघ्रता से, लेकिन ये थकता नहीं है। ठीक है, तो हम यह कहेंगे शीघ्रता से लेकिन थकता नहीं है, बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हृदय पेशियां शीघ्रता से संकुचित होती है लेकिन ये थकती नहीं है। हम लोगों ने अभी देखा हृदय पेशियां होती कैसी हैं, ठीक है, तो ये कैसी होती हैं, ये होती है कैसी, रेखित। कैसी पेशियां होती हैं, तो ये पेशियां होती हैं कैसी, रेखित पेशियां होती हैं। ठीक है, और अनैच्छिक होती हैं, मतलब इन पे हमारी इच्छा का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हृदय पेशियां कैसी होती हैं, रेखित होती है, अनैच्छिक होती है, शीघ्रता से संकुचित करती हैं और ये थकती नहीं है, कंटिन्यू ये क्या होती रहती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो यहां पर दिया गया है कि अरेखित पेशियां जो है वो कहां पर मिलती हैं। ठीक है, मूत्राशय में, आहार नाल में, वायु नाल में, या सभी में। ठीक है, अरेखित पेशियां कहां मिलती है, हम लोगों ने बात की कि जो अरेखित पेशियां होती हैं, अरेखित पेशियां ठीक है ये हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती हैं। कैसे कि अनैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करती हैं। और जो रेखित होती हैं, ठीक है, रेखित पेशियां वो कैसी, ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ऐच्छिक क्रिया कंट्रोल करेगी। अब ये जो है अरेखित पेशियां ये पाई कहां जाती है, तो अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो सारी कहां से कंट्रोल होती हैं, जहां पर हमारे आंतरिक अंग होते हैं जो हमारे अस्थियों से जुड़े नहीं होते। हम अपनी इच्छा से किसी भाग को तब कंट्रोल कर पाते हैं या हिला सकते हैं जो किससे जुड़ा हो, अस्थि से। ठीक है, अस्थि से, तो अस्थि से जुड़ी होती है कौन, रेखित। अरेखित आंतरिक भागों में मिलती है, मतलब कि ये तीनों जो पार्ट हैं वो सारे आंतरिक भागों के हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो ये सभी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने है कि एंटीबॉडी होती है, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बैक्टीरिया या फिर निष्क्रिय रोगाणु, तो एंटीबॉडी जो है वो किस प्रकार की होती है ये हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एंटीबॉडी किस प्रकार की होती है ये हम लोगों को बताना है, फटाफट से बताना है। देखिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो है हम लोगों ने राजस्थान पुलिस का जो है कम्प्लीटली बैच चला रखा है। ठीक है, सुबह से शाम तक आप लोगों की क्लासेज यहाँ पर अवेलेबल रहती है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्रकार के आप लोगों को क्लासेज की आवश्यकता हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर जो है हमारे पेड कोर्स सारे अवेलेबल है। ठीक है, हाँ देखो क्वेश्चन है एंटीबॉडी होती है, बात कर ले हम यहाँ पर एंटीबॉडी क्या है, किस प्रकार से क्या चीज होती है ये सारी सारी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करें तो एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार की क्या होती है, ये प्रोटीन होती है एंटीबॉडी। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना,
कि एंटीबॉडी का निर्माण शरीर के अंदर होता है, ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है, तो शरीर के अंदर होता है, ठीक है। अब शरीर के जो अंदर है वो कहां पर होता है, शरीर के अंदर हमारे पाई जाती है WBC, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये कहां पर पाई जाती है, ये हमारे रुधिर में पाई जाती है। और WBC के अंदर, ठीक है, एक टाइप होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है, लिम्फोसाइट, ठीक है। ये जो लिम्फोसाइट होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बी और एक होती है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, ये किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक है। और एंटीबॉडी जो होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है, ठीक है। रोगाणुओं को क्या करती है, ये नष्ट कर देती है, ठीक है। इसलिए जो एंटीबॉडी है इसको हम शरीर का सैनिक भी कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल एक क्वेश्चन आया कि एंटीबॉडी कहां पर पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, एंटीबॉडी कहां पाई जाती है, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एंटीबॉडी कहां मिलेगी, तो एंटीबॉडी जो होती है वो कहां पर मिलेगी, तो ये मिलेगी हमारे रक्त की प्लाज्मा भाग में, ठीक है, रक्त के प्लाज्मा में, ठीक है। तो रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है और ये बनाई किसके द्वारा जाती है, WBC की लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। एक विशेष प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसके आंसर जो है आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, जो हमारा चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर, वहां से जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर के नाम से, वहां पर मैं फाइल को वहां पर डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो यहां पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि पेशी संकुचन में ऊर्जा का स्रोत होता है, जब पेशियां संकुचित होती है तो उनमें जो ऊर्जा है वो कहां से आती है, ठीक है, उनको जो ऊर्जा है वो कहां से प्राप्त होती है, ठीक है, एक्टिन से, मायोसिन से, एक्टिनोमायोसिन से, या फिर ATP से। पेशी संकुचन के दौरान जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कहां से आती है, ठीक है, वो ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, देखिए वो ऊर्जा कहां से मिलती है, वो मिलती है ATP से। कहां से मिलेगी, ATP से वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। ऊर्जा कहां से आती है, ATP से। ATP को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है ऊर्जा के पैकेट, ठीक है। ATP को क्या कहा जाता है, ऊर्जा के पैकेट, ठीक है। ध्यान रहे, ATP की यदि खोज पूछ ले, ATP की खोज किसने की, ठीक है, तो ATP की खोज की थी किसने, लोहमैन ने, ठीक है, लोहमैन ने। ATP की खोज किसने की थी, लोहमैन ने। फुल फॉर्म पूछ ले तो इसके होती है क्या, एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ लेगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा नाम क्या है, ऊर्जा के पैकेट, या इसको कहा जाता है ऊर्जा मुद्रा, ठीक है, ऊर्जा मुद्रा, ठीक है, ये भी कहा जाता है, ठीक है। ATP, ATP फॉर्मेशन का कार्य कहां पर होता है, तो ये होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ATP का निर्माण कहां पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ATP क्या है, तो ATP एक प्रकार से क्या बोलेंगे हम इसको, ऊर्जा, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, ऊर्जा बोलेंगे, कि ये हमारे पास में क्या है, ठीक है, ऊर्जा है, ठीक है। तो ATP क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब हो गया हमारे पास में पावर, ठीक है, और पावर जहां पर बन रही है उसको हम क्या कहेंगे, पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, सही बात है। जब ऑक्सीश्वसन होता है तो ग्लूकोज के एक अणु से क्या बनता है, 38 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं, 38 ATP का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए बात करें आगे, नेक्स्ट देखिए, यहां पर यदि हम देखें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, निश्चल कण पाए जाते हैं, ठीक है, अंतराली कोशिका में, यकृत कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में, मूत्र वाहिनियों में, ठीक है,
निश्चल कण जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? निश्चल कण जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? निश्चल कण जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, निश्चल कण कहां पर पाए जाते हैं? तो निश्चल कण किस में पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और तंत्रिका कोशिका का जो हमारा कौन सा वाला भाग था? साइटोन भाग। ठीक है, कौन सा भाग था? साइटोन। साइटोन को ही कहा जाता है क्या? कोशिका काय। क्या कहा जाता है? कोशिका काय कहा जाता है। ठीक है, इस भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं? निश्चल कण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बात बता देता हूं यहां पर आप लोगों को कि यदि हम बात करें पिछले बार के एग्जाम की, ठीक है, तो पिछले बार का जो एग्जाम था उसके अंदर क्वेश्चन जो था वो यहां से आया था, तंत्रिका कोशिका। हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले न्यूरॉन। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं आरपी 2018 की। ठीक है, आरपी 2018 के अंदर, ठीक है, एक क्वेश्चन आया 2018 में। क्वेश्चन ये था कि न्यूरॉन का भाग नहीं है। ठीक है, न्यूरॉन का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन था यहां पर साइटोन, पहला क्या था? साइटोन। दूसरा था डेंड्रॉन, डेंड्रॉन। तीसरा था यहां पर एक्सॉन, और चौथा यहां पर दे रखा था बोमन संपुट, बोमन संपुट। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो था बोमन संपुट। तो न्यूरॉन का भाग नहीं है, ये आरपी 2018 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, हम लोगों ने अभी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी थी। ठीक है, तो उस टाइम हम लोगों ने बताया था कि न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से? साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। ठीक है, बोमन संपुट जो होता है ये नेफ्रॉन का भाग है। किसका भाग है? नेफ्रॉन का भाग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां से लिया गया था 2018 आरपी के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहां पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि श्वान कोशिका का संबंध किससे है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है, एंडोथीलियम से, ग्रहण एपिथीलियम से, या फिर पेशियों से। तो श्वान कोशिकाएं जो होती हैं, हम लोगों ने अभी बात की थी किसकी? न्यूरॉन की। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन को ही क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के अंदर जो एक्सॉन वाला पार्ट था हमारे पास में, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट? एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन जो सबसे लंबा वाला भाग था जिसके अंदर माइलिन का आवरण हमें मिला था, और बीच का भाग था रेनवियर की नोड। ठीक है, तो इस वाले भाग में, ठीक है, यहां पर पाई जाती है कौन सी कोशिका? तो यहां पर पाई जाती है श्वान कोशिका। ठीक है, श्वान कोशिका। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि श्वान कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका के कौन से भाग में मिलेगी, तो ये मिलेगी एक्सॉन भाग में। कौन से भाग में पाई जाती है? एक्सॉन वाले भाग के अंदर पाई जाती है। ठीक है, कौन से वाले भाग में पाई जाती है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए नेफ्रॉन का पार्ट होता है बोमन संपुट, कोई बात नहीं, वो मैंने क्लियर कर दिया था। आप आपस में एक दूसरे के कमेंट्स के ऊपर ध्यान मत दिया करो। ठीक है, मेनली जो है क्लास के ऊपर ध्यान दो, कमेंट्स के ऊपर ध्यान देने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतकों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? वर्गीकरण, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऊतकों का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा यदि हम अध्ययन करें तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, ऊतकों का अध्ययन करना है सूक्ष्मदर्शी से। तो ऊतकों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन हम लोगों ने पहले पढ़ा था, क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी जो होता है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का। किसका करेंगे? कोशिका का। और ऑस्टियोलॉजी में किसका करते हैं? ऑस्टियो का मतलब होता है अस्थि। ठीक है, तो अस्थियों का अध्ययन। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहे, देखना यहां से कुछ चीजें पूछी जाती है। ऑस्टियो का मतलब होता है अस्थि। ठीक है, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? अस्थि। ठीक है, अस्थि। यहां से क्वेश्चन आया
कि अस्थि या हड्डी, ठीक है, हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका कहलाती है। अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? ठीक है, तो अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका, अस्थियों को क्या कहते हैं? ओस्टियो। और कोशिका को क्या कहते हैं? साइट। क्या कहते हैं? साइट, क्योंकि साइटो, हमने कहा ना साइटो का मतलब क्या होता है? कोशिका, कोशिका का अध्ययन। तो साइट का मतलब होता है कोशिका, ओस्टियो का मतलब क्या होता है? अस्थियां। तो आंसर हो गया ओस्टियोसाइट। क्या हो गया हमारा? ओस्टियोसाइट। ठीक है, देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस हमें शब्दों का ध्यान रखना है और इन शब्दों से हम आंसर को अच्छे तरीके से पकड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, वो यहाँ पर दे रखा है कि सार्कोलेमा किसका आवरण है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो सार्को शब्द है, सार्को, ठीक है, सार्को का मतलब क्या होता है? पेशी। ठीक है, और पेशी का मतलब एक दूसरा भी निकलता है मायो। ठीक है, मायो का मतलब भी होता है पेशी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी आए मतलब दोनों का, पेशियों का अध्ययन। ठीक है, और लेमा कहीं पर भी मिल जाए, लेमा का मतलब होता है आवरण। ठीक है, क्या होता है? आवरण। तो सार्कोलेमा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? पेशी का आवरण। तो यहाँ पर पेशी तंतुओं के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे हम सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया सभी को, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि देखिए इतने जो बच्चे हैं वो नॉर्मल क्लासेज में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, फिर मैराथन क्लास लगाने का या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का फायदा क्या हुआ? ठीक है, बात करें आगे। ये जो क्लास है आप लोगों की, ये आरपी डीपी पटवारी सबके लिए एक रामबाण साबित होगी। ठीक है, और हम इसी प्रकार से सैटरडे संडे को जो है स्पेशल क्लास लाते रहेंगे। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा यदि रेस्पॉन्स आता रहा आप लोगों का, तो हम लोग अदर डे में भी ये क्लासेज आप लोगों को अवेलेबल कराते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, पादपों में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के या चार प्रकार के? पादपों में कितने प्रकार के ऊतक हमारे पास में पाए जाते हैं? ठीक है, पादपों में पाए जाने वाले ऊतक हमें बताने हैं। तो ध्यान रखें कि पादप ऊतक जो होते हैं, पादप के जो ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विभज्योतक। पहला कौन सा है? विभज्योतक। विभज्योतक का मतलब होता है कि इन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं, इन ऊतकों की जो कोशिका होती है, कोशिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यदि कुछ कोशिकाएं ऐसी हों जिनमें विभाजन क्षमता पाई जाती है तो वो क्या कहलाता है? विभज्योतक कहलाता है। ठीक है, विभाजित होने वाला ऊतक कहलाता है। ठीक है, इसी को हम मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो विभज्योतक है वो सिंपली हम लोग यदि देखें तो ये किस प्रकार से हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोगों ने पादपों को अच्छे तरीके से देखा है कि पादप की स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, पादपों के अंदर यदि हम लोग, ठीक है, सबसे आगे इस वाले भाग में देखें, ठीक है, तो ये सबसे आगे वाला भाग है और इसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष। तो यहां पर पाया गया विभज्योतक क्या कहलाएगा? शीर्ष विभज्योतक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कोशिका है, जो हमारे पास में पादप है, उसके अंदर बीच बीच में जो है, ठीक है, इस प्रकार से शीर्ष विभज्योतक बीच बीच में भी उपस्थित होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा? बीच बीच में भी पाया जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट बच गया हमारे पास में, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो होता है क्या? स्थायी ऊतक। मतलब इसकी, इन प्रकार के जो ऊतक है स्थायी ऊतक, इनके कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। स्थायी ऊतकों के बीच में यहाँ पर भी हम लोगों को, ठीक है, क्या मिला? शीर्ष विभज्योतक मिला। तो ये जो शीर्ष विभज्योतक है यहाँ पर कहलाता है क्या? अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक। ठीक है,
और यदि इसके बगल में ठीक है साइड में कोई विभाजोतक है, ठीक है यहां पर साइड में कोई विभाजोतक है, ठीक है साइड में है तो वो क्या कहलाएगा, साइड को हम क्या कहते हैं पार्श्व, तो कहलाएगा पार्श्व विभाजोतक। ठीक है तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि शीर्ष जो विभाजोतक है ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है शीर्ष विभाजोतक, एक होता है कौन सा अंतर्वेशी, और एक होता है कौन सा पार्श्व। अंतर्वेशी जो है वो किसका पार्ट है, शीर्ष विभाजोतक का ही पार्ट है, मतलब एक प्रकार का शीर्ष विभाजोतक ही है अंतर्वेशी। ठीक है और ये जो है वो स्थायी ऊतकों के मध्य में पाया जाता है। नॉर्मल हमसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है नॉर्मल हमसे क्वेश्चन कर ले कि बताइए कि जो पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो लंबाई में वृद्धि के लिए शीर्ष विभाजोतक और अंतर्वेशी विभाजोतक उत्तरदायी होता है। यदि मोटाई की बात कर ले, ठीक है कि पौधे की मोटाई कौन बढ़ाता है, तो वो कौन बढ़ाएगा पार्श्व विभाजोतक। ठीक है तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि जो विभाजोतक है वो कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। ठीक है अब देखिए यहां पर क्या है, हम लोगों ने बात की कि दूसरा प्रकार का जो हमारे पास में ठीक है ऊतक है वो कौन सा है, दूसरे प्रकार का ऊतक है कौन सा स्थायी ऊतक। ठीक है स्थायी ऊतक जो विभाजोतक है ये तीन प्रकार का हो गया, स्थायी ऊतक जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारे पास में कैसा सरल स्थायी ऊतक, ठीक है और दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है हमारे पास में कौन सा जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक जो होता है इसकी खासियत देख लो, सरल कोई भी चीज जहां पर भी मिले इसका मतलब होगा एक प्रकार का, एक प्रकार मतलब ये हुआ कि जो स्थायी ऊतक है उसके अंदर यदि एक प्रकार की कोशिका मिल जाए, ठीक है वह स्थायी ऊतक जिसमें सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाएं हों तो कहलाता है सरल स्थायी ऊतक, और यदि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं तो कहलाएगा क्या जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, मृदूतक ये पौधे के कोमल भाग में मिलेगा, पौधे के जो भी कोमल भाग होते हैं उनमें मृदु, ठीक है दूसरा होता है स्थूल कोणोतक, स्थूल कोणोतक, ठीक है कोणोतक स्थूल का मतलब मोटा, कोणोतक का मतलब कोण, ठीक है तो वह ऊतक जिसकी कोशिकाओं के कोण जो है वो मोटे हों वो क्या कहलाता है स्थूल कोणोतक कहलाता है। ठीक है और तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है कौन सा दृढ़ ऊतक, ठीक है तीसरा कौन सा होता है दृढ़ ऊतक। तो ये जो ऊतक है कौन सा सरल स्थायी ऊतक, ये तीन प्रकार का होता है हमारे पास में। ठीक है कितने प्रकार का होता है तीन, पहला होता है मृदु ऊतक, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक, तीसरा होता है कौन सा दृढ़ ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है एक होता है कौन सा जाइलम, एक कौन सा होता है जाइलम, दूसरा कौन होता है फ्लोयम। ये जटिल ऊतक है, ठीक है और मैं फिर से इसलिए इसको जोर दे रहा हूं क्योंकि पिछले आरपी में क्वेश्चन यहीं से आया था, 2018 के आरपी का पेपर उठा के देखना ऊतकों से क्वेश्चन आया था, और हमारा दुर्भाग्य यह है कि बहुत सारे जो साइंस के टीचर हैं वो ऊतक का टॉपिक क्लियर नहीं कराते। ठीक है तो जाइलम फ्लोयम जो है वो ऊतक है, ठीक है जाइलम फ्लोयम क्या है ऊतक है और ये पदार्थों का संवहन करते हैं, क्या करते हैं संवहन। ठीक है जब ये पदार्थों का संवहन करते हैं इसका मतलब ये क्या कहलाते हैं संवहनी ऊतक, ठीक है संवहनी ऊतक कहलाते हैं। जाइलम का ध्यान रखना, ठीक है जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण, ठीक है इनका क्या करता है संवहन करता है और इनको कहां से लेकर के जाता है जड़ से पौधे के विभिन्न भागों में लेके जाता है। ठीक है तो जड़ से कहां लेके जाता है पौधे के विभिन्न भागों में लेके जाता है। ठीक है देखिए मैं एक बात बता देता हूं, ठीक है आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से मेरे को जानते हैं। ठीक है मेरा खुद का भी पर्सनल एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर सारी वीडियो जो है आप लोगों को अवेलेबल है। ठीक है यहां पर जो है हम टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है हाँ चलिए तो यहां पर कोई किसी प्रकार की वैसे प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ ज्यादा डिटेल नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा सा टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है देखिए पिछला जो था यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि जो फ्लोयम है, ठीक है कौन है फ्लोयम, ये काम क्या करता है, तो फ्लोयम क्या करता है जो फूड होता है, फूड मतलब भोजन, ठीक है फूड मतलब क्या भोजन,
तो भोजन का परिवहन करेगा। भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। तो पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में लेकर जाता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। और पिछली बार यही बात पूछी गई थी, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा जटिल ऊतक है, ठीक है, तो कौन सा था? यहाँ पर फ्लोएम। और फ्लोएम का कार्य क्या है? फूड या भोजन को क्या लेकर जाता है? वो पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में लेकर जाता है। देखिए यहां पर ध्यान रखना, जाइलम जड़ से जल को लेके जाता है। तो देखो शब्द ध्यान में रखना, जय जय जय, ठीक है। और फ्लोएम में पहला अक्षर क्या है? फ। और फूड में पहला अक्षर क्या है? फ। तो फ्लोएम किसको ले जाएगा? फूड को। और जाइलम क्या करेगा? जड़ से किसको लेके जाएगा? जल को, ठीक है। तो ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको कवर करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि पादप में कौन से ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। ये क्लियर हो गया हमारा कि कौन से में विभाजन की क्षमता नहीं होती, ठीक है। तो इसमें विभाजन की क्षमता, सॉरी, यहां पाई जाती है। तो कौन से में पाई जाती है? विभज्योतक में पाई जाती है, और इन सब में नहीं पाई जाती, ठीक है, इनमें नहीं पाई जाती। पूछा था कि पादप के कौन से ऊतक में कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा? विभज्योतक, इसके अंदर ये पाई जाती है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पादप की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी, पहला और तीसरा, दोनों। इससे पहले हम लोगों ने अभी बात की है, ठीक है, कि पादप की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन कौन उत्तरदायी होगा? तो शीर्ष और कौन होगा? अंतर्वेशी, दोनों ही होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो दैस का क्या होगा राइट आंसर? कि दोनों ही जो है वो किसमें उत्तरदायी होते हैं? लंबाई में। पार्श्व विभज्योतक जो है वो मोटाई में क्या होता है? उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि वायु तक का प्रकार है, किसका प्रकार है? यहां पर मैं बात कर लेता हूं। देखिए पैरेन्काइमा जो यहां पर लिखा हुआ है, पैरेन्काइमा, ठीक है, मैं यहां पर एक बात बता देता हूं। पैरेन्काइमा है यहां पर मृदूतक, कौन है ये? मृदूतक। कोलेन्काइमा, ठीक है, ये है कौन? स्थूल कोणोतक, ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमा जो है ये है क्या? दृढ़ ऊतक, ठीक है, ये है क्या? तो ये है हमारा दृढ़ ऊतक, ठीक है। अब यहां पर बात कर रहा है वायु ऊतक पैरेन्काइमा का एक भाग होता है। अब यहां पर समझ लें कि पैरेन्काइमा दो प्रकार का है। पैरेन्काइमा मतलब मृदूतक मतलब जहां पर कोमल भाग होते हैं वहां पर यदि हरे रंग का, ठीक है, पर्णहरित यहां पर मिल जाए, क्या मिल जाए? पर्णहरित। पौधे के कोमल भागों में यदि पर्णहरित है तो हरे रंग का हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे क्या? हरित ऊतक। क्या कहेंगे? हरित ऊतक, ठीक है। तो हरित ऊतक किसका भाग हो गया? पैरेन्काइमा का, ठीक है। और हरित को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लोर, ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा इसी को बोला जाता है, हरित ऊतक को, जो किसका भाग है? पैरेन्काइमा का। दूसरा देखो वायु ऊतक की बात कर रहा है, तो वायु ऊतक भी इसी का पार्ट है। वायु ऊतक क्या होता है? वायु में क्या भरी होती है? एयर, तो एरेन्काइमा, ठीक है, तो एरेन्काइमा बोला जाता है वायु ऊतक को। वायु ऊतक के अंदर क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है। और हरित ऊतक के अंदर क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। अब ये वायु ऊतक जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है? तो वायु ऊतक जिसमें पाया जाएगा, जिसके अंदर हवा भरी रहेगी, वो ऊतक जो है जल के ऊपर, ठीक है, क्या कर पाएगा? तैर पाएगा, ठीक है, जल के ऊपर क्या कर पाएगा? तैर पाएगा। और जब कोई वायु तक या जब कोई ऊतक जल के ऊपर तैरेगा, तो सिंपल बात है कि हम पादपों की बात कर रहे हैं, तो वो पादप भी, ठीक है, वो पादप भी
क्या करेगा, जल के ऊपर तैरेगा। तो सिंपल यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जलीय पादप होते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, वो किस ऊतक के कारण तैर पाते हैं? तो वो वायु ऊतक या एरेनकाइमा के कारण वो क्या कर पाते हैं, तैर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहां पर, क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि जाइलम का कार्य है जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, खनिज लवण का परिवहन, एवसे दोनों। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जाइलम जो होता है जल के साथ में खनिज लवण का भी परिवहन करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एवसे दोनों। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं, और हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग पढ़ते हैं जाइलम और तुरंत लगाते हैं जल का परिवहन, क्योंकि वहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और हम इन क्वेश्चनों को स्पीड से करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना राइट आंसर क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो दे रखा है यहां पर कि जो जाइलम है वो किस प्रकार का ऊतक है, जाइलम जो है वो किस प्रकार का ऊतक है, विभजोतक, सरल स्थायी, जटिल स्थायी, ये सभी। तो हम लोगों ने भी पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो दोनों कैसे हैं, जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। जाइलम भी और फ्लोएम भी दोनों क्या होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो दिया गया है फ्लोएम का कार्य है, फ्लोएम का कार्य है। हमने अभी पढ़ा कि F4 फ्लोएम, और F4 क्या होता है, फूड। तो फ्लोएम जो है फूड मतलब क्या, भोजन। भोजन को पत्तियों से क्या करेगा, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ब। ठीक है, भोजन का क्या करता है, ये परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो यहां पर आ गया है, क्वेश्चन यहां दे रखा है कि चालनी कोशिका जो होती है वो पाई जाती है, चालनी कोशिका पाई जाती है। अभी मैं बता देता हूं यहां पर कि हम लोग बात करें तो फ्लोएम जो होता है, मैंने अभी बात की थी कि फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जटिल ऊतक। कैसे ऊतक होते हैं, जटिल ऊतक। ठीक है, और जटिल ऊतक जो होते हैं वो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम के अंदर चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, चार प्रकार की। पहली होती है कौन सी, चालनी। ठीक है, पहली कौन सी होती है, तो पहली होती है चालनी कोशिका। ठीक है, चालनी कोशिका। दूसरी जो होती है इसके अंदर वो होता है क्या, फ्लोएम रेसे। ठीक है, एक होती है सहकोशिका, सहकोशिका, और एक होती है इसके अंदर क्या, फ्लोएम मृदूतक, मृदूतक। ठीक है, तो फ्लोएम के अंदर चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो चालनी जो कोशिका है, ठीक है, कौन सी कोशिका, चालनी कोशिका जो बात कर रहा है यहां पर, वो किसमें पाई जाती है, तो फ्लोएम के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और दूसरी बात मैं यहां पर बता दूं आप लोगों को कि चालनी जो कोशिका होती है, इसी को हमने क्यों लिया है, चालनी कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों ने जंतुओं की बात की, जब जंतुओं की बात की तो हम लोगों ने बात की आरबीसी, किसकी बात की, आरबीसी। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक होती है। तो पौधे की एकमात्र ऐसी कोशिका कौन सी, चालनी कोशिका, जिसमें केंद्रक नहीं होता, मतलब ये प्रोकैरियोटिक होती है। और ये चालनी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो ये फ्लोएम के अंदर पाई जाती है। ठीक है, किसके अंदर पाई जाती है, फ्लोएम के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि जो नारियल है, नारियल की जटा का निर्माण किस ऊतक से होता है। ठीक है, देखिए नारियल की जटा जो है वो बनती है किसके द्वारा, ठीक है, तो ये बनती है दृढ़ ऊतक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनती है, तो ये यहां पर दिया गया है किसके द्वारा, ठीक है, दृढ़ ऊतक के द्वारा। तो जो दृढ़ ऊतक होती है, सिंपल ध्यान रखें
कि इनकी सभी कोशिकाएं जो हैं वो कैसी होती है, मृत होती हैं। अब मरी हुई कोशिका कौन कौन से पौधा पादपों में मिलेगी, तो नारियल की एक तो हमें ध्यान रखनी है क्या, जटा, ठीक है। इसके अलावा हमसे पूछ लिया जाए कि जो कपास होती है, कपास, ठीक है, वो भी तो मृत कोशिका है, ठीक है। इसके अलावा जो जूट होता है, ठीक है, जूट, जूट से हमें क्या मिलते हैं, रेशे, ठीक है। तो जहां पर भी रेशे हमें मिलते हैं ना, ठीक है, नारियल की जटा से रेशे मिलते हैं, कपास से मिलते हैं, जूट से मिलते हैं, ठीक है। सन होता है, सन, ठीक है, सन या पटसन बोलते हैं, इससे भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा मूंज, ठीक है, मूंज, मूंज को बोला जाता है सिक्रम मुंजा, ठीक है, आमतौर पर इसको बोला जाता है झुंडा, ठीक है। तो ये जितने भी होते हैं इन सब से रेशे प्राप्त होते हैं, और पौधे के जो भी भाग से रेशे प्राप्त होते हैं उन सभी का निर्माण किससे होता है, दृढ़ ऊतक से होता है, किससे होता है, दृढ़ ऊतक से होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहां पर, क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि ऊन किसका बहुलक है। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊन किसका बहुलक है। तो हम लोगों को यह ध्यान रखने हैं कि जो रेशे हैं हमारे पास में, जो क्या है, रेशे हैं, जो रेशे जंतु से मिलते हैं, जो कहां से मिले, जंतु से, वो बनेंगे किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। और जो रेशे हमें कहां से मिलते हैं, पादप से मिलते हैं, वो किसके बहुलक होते हैं, वो होते हैं सेल्यूलोज के, ठीक है। तो जंतु के रेशे प्रोटीन के बहुलक होते हैं और पादप के रेशे जो होते हैं वो सेल्यूलोज के बहुलक होते हैं, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब ऊन जो है वो हम लोगों को मालूम है कहां से मिलेगा, या तो भेड़ से मिलेगा, या कहां से मिलेगा, बकरी से मिलेगा। तो भेड़ और बकरी से मिलेगा मतलब जंतु का है, तो ये प्रोटीन का हो गया। यदि पूछ ले रेशम, ठीक है, तो रेशम जो है, रेशम कीट के द्वारा बनाया जाता है, कीट जंतु में है, तो प्रोटीन का हो गया, ठीक है। और अभी हम लोगों ने बात की कपास, जूट, सन, पटसन, ठीक है, ये सारे के सारे जो बहुलक हैं वो सब किसके होते हैं, तो ये सब के सब सेलुलोज के बहुलक होते हैं, ठीक है, किसके होते हैं, ये सेलुलोज के बहुलक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, रेशम किसका बहुलक है, हम लोगों ने बता दिया रेशम कीट से मिलता है, सिंपल, किसका बहुलक हो गया, प्रोटीन का बहुलक हो गया, ठीक है। तो यहां पर कोई सोचने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, सीधा सिंपल है कि रेशम जो है वो किसका बहुलक हो गया, प्रोटीन का बहुलक है, ठीक है। बहुलक हम लोग बात कर लें तो बहुलक होती है एक जैसी इकाइयों से मिलकर के बना हो, एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर कोई चीज बनती है तो कहलाता है क्या, बहुलक। बात करें यहां पर, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती है, चालनी, आरबीसी, जीवाणु, ये सभी हम लोगों ने बात कर ली है अच्छी तरीके से कि चालनी कोशिका, ठीक है, आरबीसी, जीवाणु, ये सब क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो राइट आंसर आ जाएगा, ये सभी जो है वो कैसी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। नेक्स्ट देखिए, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। जड़ के अग्र भाग में, ठीक है, कौन सा ऊतक पाया जाता है, सबसे आगे, आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, शीर्ष, क्या कहते हैं, शीर्ष। और शीर्ष में क्या मिलता था, बेबी, विभज्योतक, क्या मिला हमें, विभज्योतक। तो शीर्ष विभज्योतक जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो जड़ के आगे वाले भाग में कौन सा मिलेगा ऊतक हमें, विभज्योतक मिलेगा। और कौन सा विभज्योतक मिलेगा, तो वो मिलेगा कौन सा, शीर्ष विभज्योतक मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आज इस टॉपिक को हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद सुबह जो है, मॉर्निंग में ध्यान रखना, सुबह 8 बजे से क्लास होगी कंटिन्यू, ठीक है। तो सुबह लाइव रहना, सुबह 8 बजे से। कौन सा ऊतक जो है पादप में लचक उत्पन्न करता है, हम लोगों ने भी बात की लचक की, ठीक है, कि लचक कौन करता है, ठीक है, लचक उत्पन्न कौन करता है, ये हम लोगों ने बात की थी। एक होता है कोमल पार्ट और एक होता है क्या, कठोर पार्ट, ठीक है। तो कठोरता जो होती है वो किसके कारण होती है, स्क्लेरेन कायमा। लचक जो होती है वो किसके कारण होती है, कोलन कायमा। कोमल भाग जो होता है वो कौन होता है, पेरेन कायमा। पेरेन कायमा की बात की थी हम लोगों ने, मृदु तक, ये था स्थूल कोणों तक, और ये था हमारे पास में क्या, दृढ़ ऊतक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है। एक पार्ट होता है कोमल, एक उपाय जाती है लचक। लचक का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। यदि हम किसी टहनी को थोड़ा सा घुमाएं, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, लचक होगी, ठीक है। और आम को यदि हम पिलपिलाएं, फल को क्या करें हम पिलपिलाएं, तो वो होगी क्या, कोमलता, ठीक है। और हमने नारियल की जटा देखी तो वो क्या था, कठोर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहां पर दिया गया है कि स्थूल कोणों तक जो है में किसका जमाव पाया जाता है। हमने बात की स्थूल कोणों तक, जिसके कारण क्या मिली हमको, लचक मिली। तो इन कोशिकाओं में किस चीज का जमाव होता है, ठीक है। स्थूल का मतलब मोटे, कोण का मतलब किनारे, ठीक है। तो इनके किनारे मोटे होते हैं तो किसके कारण होते हैं, वो होते हैं पैक्टिन के कारण, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाए इसका, पैक्टिन के कारण। और यदि लिग्निन का जमाव कर दें तो कोशिका कैसी हो जाती है, मृत, मर जाती है। मतलब कि जो हमारे पास में दृढ़ोतक है, ठीक है, तो दृढ़ोतक के अंदर किसका जमाव होता है, तो वो होता है किसका, लिग्निन का जमाव यहां पर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो यहां पर वही सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने अभी क्लियर किया। दृढ़ोतक कोशिका में किसका जमाव पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर किसका जमाव पाया जाता है, लिग्निन का जमाव पाया जाता है। दृढ़ोतक की कोशिका में किसका जमाव पाया जाएगा, लिग्निन का जमाव पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि जो मृत कोशिका होती है किस ऊतक की बनी होती है। मैंने कहा कि मृत कोशिका कब होगी, जब लिग्निन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, ठीक है, तो लिग्निन मिलेगा। लिग्निन के कारण कोशिका क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। और मृत कोशिका किसकी होती है, वो होती है किसकी, दृढ़ ऊतक की, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक की कोशिका कैसी होती है, मृत होती है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो टाइमिंग था वो ही दे दिया था 7 से 10 का। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं इसको क्योंकि ये जो टॉपिक है हम ऊतक वाला कवर कर लेते हैं, फिर बाकी जो टॉपिक्स हैं वो सुबह करेंगे, क्योंकि काफी सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका या तो डाटा पैक खत्म हो चुका है, लगभग आधे हो गए हैं सारे बच्चे, ठीक है। तो हम कल वापस से, ठीक है, सुबह 8 बजे वापस मिलेंगे। आज के जो टॉपिक हैं चैप्टर के वो कवर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे बीच में, त्वचा किस प्रकार का ऊतक है। देखिए हम लोगों ने पहले बात कर ली थी कि जो त्वचा है वो ऊतक है, वो क्या है, ऊतक। किस प्रकार का ऊतक है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्री का ऊतक। चलिए इसको फुर्सत में कर लेते हैं, हम लोगों ने बात कर ली थी इसके ऊपर, ठीक है। हाँ भाई, तो त्वचा किस प्रकार का ऊतक है, ये हम लोगों ने बात की थी काफी देर से, ठीक है। हाँ देखिए, तो ये है कैसा, उपकला ऊतक। और उपकला ऊतक में भी कौन सा, जटिल, ठीक है। उपकला ऊतक में भी कौन सा वाला है, ये तो ये है जटिल उपकला ऊतक, ठीक है, जटिल उपकला ऊतक है, ठीक है। त्वचा किस प्रकार का ऊतक है, तो जटिल उपकला ऊतक है, ठीक है। अच्छा, अभी तक यदि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ में। देखिए यदि लाइव क्लास खत्म भी हो जाती है तो उसके बाद भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि कल भी वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा क्लास को पढ़ सकें, क्वेश्चनों को कवर कर सकें, ठीक है। और उनको बता दीजिएगा कि ये क्लास जो है वो कल सुबह भी आने वाली है, ठीक है, और कल यदि दिन में टाइम लगेगा तो हम लोग शाम को भी ले आएंगे, वो कल सुबह के टाइम में हम लोग आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। चलिए बात करें यहाँ पर, ये हमारा क्लियर हो गया कि त्वचा जो है वो कैसा है, उपकला ऊतक है। चलिए तो आज के इस टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आ गया है हमारे पास में कौन सा, पाचन तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास में कौन सा तंत्र, पाचन तंत्र। और इसके जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम कल करेंगे। पाचन और पोषण दोनों हमें एक साथ में लेंगे, ठीक है, पाचन पोषण दोनों को हम एक साथ में करने वाले हैं, ठीक है, तो उसको हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल सुबह सभी लोगों के पास में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और सब लोगों को बता दीजिएगा कि ये क्लास जो है सुबह आएगी और उसमें हम लोग जो है टॉपिक टू ट�पिक लेकर के चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिए हैं, पाचन करेंगे, उसके बाद हम श्वसन करेंगे, उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र करेंगे, ठीक है,
उसके बाद हम किसका करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रंथियां करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम रोग करेंगे, उसके बाद अनुवांशिकता करेंगे, ठीक है, तंत्रिका तंत्र करेंगे, मतलब सारे चैप्टर हम यहाँ कवर करने वाले हैं, बायो के, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो सबको कवर करेंगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, सारे टॉपिक टू टॉपिक हम सारे क्वेश्चनों को यहाँ कवर करेंगे, ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।